हम लोग बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था इसका तीन जगह यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। पहले भी चैप्टर में जब हम लोग स्टार्ट किए तो बात किए थे कि एप्लीकेशन हम लोग कहाँ का यूज कर सकते हैं। एक हमारा है एग्री कल्चर में यूज कर सकते हैं, सेकेंड मेडिसिन में यूज कर सकते हैं, और तीसरा हमारा मोलिकुलर डायग्नोसिस के लिए कर सकते हैं, मॉलिकुलर डायग्नोसिस के लिए कर सकते हैं। तीन जगह हम लोग क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का यूज करेंगे, जिसमें से हम लोगों ने दो तीन टर्म पढ़ ली थी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें हम लोगों ने स्टडी कर ली थी वहां पे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसी हम लोगों का यूज करते हैं हमारा। तो पहले हमारा क्या क्या होना चाहिए, यदि हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, जो बायो कैटालिस्ट होना चाहिए, जो हमारा क्या होना चाहिए, वो प्योर होना चाहिए, प्योर एंजाइम्स होना चाहिए, ठीक है। जो हम लोग इम्प्रूविंग करेंगे, ऑर्गेनिज्म को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी चीज को हम लोग इम्प्रूव करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो जो बायो कैटालिस्ट यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, वो क्या होना चाहिए, हमारा प्योर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारा कि स्टराइल होना चाहिए, माइक्रो फ्री होना चाहिए, जो कैटालिस्ट है, बायो कैटालिस्ट है, कैसा होना चाहिए हमारा, स्टराइल होना चाहिए, यानी हमारा कंडीशनल, हमारा प्रोवाइडिंग स्टराइल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग टू हेल्प ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है, माइक्रो फ्री होना चाहिए। थर्ड, जब ये सब चीजें प्रोसेस कर लेंगे तो हमको डाउन स्ट्रीम प्रोसेस से जाना पड़ेगा। लास्ट में बताया था डाउन स्ट्रीम प्रोसेस प्यूरिफिकेशन हमारा करते हैं, सेपरेशन, दो चीजें याद रखना है, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चल तो वो हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या है हमारा, थ्री एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, थ्री एरिया ऑफ रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी। यदि बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ नोट से पढ़ते हो ना तो भी अपना काम हो जाएगा, थ्री एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट क्या है उसको लिखते चलते हैं, हमारा पहला क्या एरिया है हमारा कि इम्प्रूविंग ऑर्गेनिज्म यूजली या फिर मोस्टली माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम, हमारा क्या लेना है, प्योर एंजाइम दैट एक्ट एज, इसको बोलते हैं बायो कैटालिस्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, बायो कैटालिस्ट, इंप्रूविंग ऑर्गेनिज्म जो करना है यूजली या मोस्टली माइक्रो प्योर एंजाइम होना चाहिए हमारा, एट एज बायो कैटालिस्ट, पहला ध्यान रखना है। सेकेंड हमारा कि जो हमारा है उसको क्या करेंगे, प्रोवाइडिंग स्टराइल कंडीशन, स्टराइल मतलब हो गया माइक्रोब फ्री, स्टराइल कंडीशन हम लोग देंगे उसको, ठीक है, यानी माइक्रो फ्री होना चाहिए थ्रू इंजीनियरिंग, हम लोग पढ़े थे ना जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़े थे हम लोग, ठीक है, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर जीन मैनिपुलेशन, प्रोवाइडिंग स्टराइल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग, किसके लिए, टू हेल्प ग्रो कैटालिस्ट, ठीक है, किसके लिए, कि जो कैटालिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, माइक्रो फ्री होना चाहिए, जिससे कैटालिस्ट आराम से ग्रो कर जाए, ठीक है। जैसे आप लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको प्योर माइंड से पढ़ाई करनी चाहिए, दूसरा हमारा ऐसा कंडीशन होना चाहिए जो पढ़ने में हमारा मन लगे, ठीक है। अभी जैसे मान लो कि आप पढ़ाई करने बैठे हो, बगल में कोई बात कर रहा है या फिर टीवी चल रही है या पिक्चर चल रहा है, जो भी चल रहा है हमारा, तो हमारा माइंड क्या होता है, डाइवर्ट होना चाहिए, तो ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। उसी तरह हमारा कैटालिस्ट हमारा, उसको ऐसा कंडीशन देंगे हम लोग जो ग्रो कर सके, ग्रो कर सके, ठीक है। यदि हम लोग उसे क्या करेंगे, माइक्रोब्स डाल देंगे, तो माइक्रोब उसकी ग्रो को क्या कर देगा, हमारा कम कर देगा, उसके एक्शन मोड ऑफ एक्शन को क्या कर देगा, हमारा इनहिबिट कर देगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं रखना है हमारा, ठीक है। थर्ड हमारा, ठीक है, कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इन प्यूरिफाइड प्रोटीन, जब ये सब चीजें कर लेंगे जो प्रोटीन बनेगा हमको डाउन स्ट्रीम प्रोसेस से उसको निकालेंगे, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टू प्यूरिफाई प्रोटीन्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टू प्यूरिफाई प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक
कंपाउंड, ठीक है। ये तीन हमारे एरियाज होनी चाहिए जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में, ठीक है। तब हम लोग बात करते हैं, पहला हम लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो हमारा तीन है, एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, ठीक है। तो हम लोग मेडिकल से हैं तो पहले हम लोग मेडिकल की बात करेंगे, फिर हम लोग एग्रीकल्चर पे जाएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा है, हम लोग यूज कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक, एप्लीकेशन बायोटेक इन मेडिसिन, ठीक है। किसमें हम लोग यूज करना है, मेडिसिन में यूज करना है। चलो मेडिसिन में यूज करना है तो पहला हम लोग इसमें लिख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमारा मेडिसिन में। जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन, पहला जो इंसुलिन बनाया गया था मेडिसिन, उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इंसुलिन बनाया गया, ठीक है, और पहले कैसे बनाया जाता था। जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन। सेकेंड हम लोग बात करेंगे किसकी, जीन थेरेपी की बात करेंगे। जीन थेरेपी भी हमारा यूज किया गया, ठीक है, जीन थेरेपी। थर्ड हमारा बात करेंगे मोनो क्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की। एंड फोर्थ बात करेंगे हमारा कौन सा, वैक्सीन, ठीक है। ये फोर पॉइंट आपको पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला हमारा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है, दूसरा हमारा है जीन थेरेपी हमारा, ठीक है, थर्ड क्या है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एंड फोर्थ क्या है हमारा, वैक्सीन की बात करेंगे। चलो ठीक है, तो ये चार चीजें हमको पढ़ना है एक एक करके। पहले इंसुलिन बनाए, फिर हम लोग कुछ डिजीज आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा तो एडीए डिजीज था हमारा, उसके बारे में बात किए। फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्यों, मोनोक्लोनल बनाएंगे, डाइक्लोनल टेट्राक्लोनल पेंटाक्लोनल नहीं बनाएंगे। और फोर्थ हमारा वैक्सीन कैसे बनता है हमारा, कौन सा वैक्सीन, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये चारों चीजें हमको पढ़ना है। तो इसके पहले हम लोगों ने जो बनाया, ठीक है, एडवांटेज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग थेरापेटिक्स, थेरापेटिक्स मतलब कुछ हमारे एक्सपेरिमेंट कहे गए यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कितने थेरापेटिक्स बने हैं, यानी हमारे कितने मॉडिफाइड चीजें बनी है, जैसे इंसुलिन है और भी चीजें हमारा यूज करते हैं हम लोग डिजीज में, ठीक है। तो उसमें से इंडिया कितना अपना कंट्रीब्यूशन है, इंडिया ने कितना बनाया है, तो उसके लिए एक छोटा सा हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, कौन सा, एडवांटेज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग थेरापेटिक्स, ठीक है। ये पूछा जाता आपको एडवांटेज ऑफ जेनेटिक इंजीनियर्ड, नीचे लिख देते हैं थेरापेटिक्स, ठीक है, थेरापेटिक्स। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग थेरापेटिक्स में, तो क्या बात करते हैं हम लोग, देखा गया कि हमारा 13 थेरापेटिक्स पूरे वर्ल्ड में बने हैं, ठीक है, और उसमें से 12 थेरापेटिक्स हमारा इंडिया ने बनाया है, ठीक है। अब देखो पहले इसके बारे में लिखना, थेरापेटिक्स क्या क्या कर सकता है, थेरापेटिक मतलब हम लोग जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन भी एक थेरापेटिक्स है जो मेडिसिन में बनाया गया, इसको मास प्रोडक्शन में हम बना सकते हैं, लार्ज स्केल पे बनाया जा सकता है। दूसरा, जब बना रहे हैं तो हमारा सेफ होगा और मोर इफेक्टिव होना चाहिए, जो थेरापेटिक्स है हमारा एक लार्ज नंबर पे बनना चाहिए, दूसरा सेफ हो, और तीसरा क्या कर सके हम लोग, सेफ हो और मोर इफेक्टिव हो। और जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है हमारे बॉडी में, यदि हम कोई चीज बाहर से ले रहे हैं, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं यदि हमारे बॉडी में, तो दिक्कत ना करे, हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे, ऐसा थेरापेटिक्स होना चाहिए। पहले कि हम लार्ज स्केल पे बना सकें, दूसरा मोर इफेक्टिव हो और सेफ हो, तीसरा हमारे इम्यून सिस्टम को गड़बड़ ना करे। जैसे हम लोग वैक्सीन की बात करें, अभी वैक्सीन जो भी लग रही है हमको, कोरोना की लगेगी जो भी है, पहला तो हमारा क्या होना चाहिए, कोरोना की वैक्सीन लार्ज स्केल पे हम बना सकें, जेनेटिक इंजीनियरिंग थेरापेटिक्स की बात करें, एडवांटेज हमारा। दूसरा सेफ होना चाहिए और प्योर होना चाहिए हमारा, ठीक है। थर्ड हमारा क्या होना चाहिए, सेफ और मोर इफेक्टिव। थर्ड, हमारे इम्यून सिस्टम को ब्रेक ना करे, जैसे आप लोग न्यूज में देखते हो कि वैक्सीन लगने के बाद कुछ कुछ रिएक्शन हो रही है जो फॉरेन की है लेकिन इंडिया की नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो इंडिया ने बनाया है थेरापेटिक्स हमारा, जो वैक्सीन का बनाया है कोरोना की, उसमें साइड ऑफ एक्शन, साइड ऑफ साइड इफेक्ट हमारा क्या है, बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम के ना के बराबर है, बट जो फॉरेन है उसका थोड़ा सा है, लेकिन उतना भी नहीं जाता जब तक प्रूव नहीं हो जाता, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, तो ये थेरापेटिक्स हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है कि इनेबल्स
मास प्रोडक्शन, ठीक है, मास प्रोडक्शन में हम लोग बना सकें, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, सेफ एंड मोर इफेक्टिव, क्या होना चाहिए, सेफ एंड मोर इफेक्टिव होना चाहिए। और थर्ड क्या करे, अवॉइड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन को क्या करे, अवॉइड कर सके एज विथ एनिमल्स सोर्स, ठीक है। अब देखो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग थेरापेटिक्स की बात करें, कुछ क्लाउड स्टोरेज में लिख लेते हैं इस तरह करके, चलो ठीक है। कि क्या हो गया, 13, ठीक है, 13 थेरापेटिक्स, 13 थेरापेटिक्स हमारा क्या है, अप्रूव्ड, ये अप्रूव्ड है हमारा, अप्रूव्ड ग्लोबली, ठीक है, 13 थेरापेटिक्स अप्रूव्ड ग्लोबली, 12 आर इंडियन, ठीक है, 12 आर इंडियन हमारे, ठीक है, 13 थेरापेटिक्स अप्रूव्ड एंड ग्लोबली हमारे हैं, वर्ल्ड वाइज हमारा, एंड 12 थेरापेटिक्स क्या बनाया हमारा, इंडिया ने बनाया है, ठीक है, या 12 थेरापेटिक्स इंडिया, ठीक है, ये हमारे अवेलेबल है, हमारे मार्केट में प्रेजेंट है, जो आगे हम लोग नाम दिखेंगे इसके, ठीक है, तो याद रखना, बहुत बड़ी उपलब्धि इंडिया की, हमारा 30 में से 12 हमारे इंडियन के ही हैं, हमारे थेरापेटिक्स बनाए गए हैं, ठीक है, चल ठीक है। और रुक जाओ मिनट बेटा, ठीक है, लिख दिया, लिख दिया, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन की, बात करते हुए चलते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला हमारा है जेनेटिकली, ठीक है, अब आप लोग कुछ कुछ जानते होंगे, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जो हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे कि इंसुलिन जो है हमारा, ठीक है, इंसुलिन एक हमारा प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है, क्या हमारा एक, आप लोग को कुछ बता देते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंसुलिन हमारा क्या है, ये प्रोटीन हार्मोन है जो क्या करता है हमारा, रेगुलेट ग्लूकोज मेटाबोलिज्म, ठीक है, इन बॉडी, ठीक है, हमारा क्या करता है, ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है हमारा इंसुलिन, कुछ ऐसा, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्लूकोज मेटाबोलिज्म को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है हमारा, ठीक है, यदि इंसुलिन की कमी हो जाए तो हमारा ग्लूकोज हमारा बढ़ जाती है बॉडी में, जिसको बोलते हैं डायबिटीज मिलेटस बोलते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा बात करते हैं कि हमारा कहाँ से सिक्रीजन होगा, तो हमारा पेंक्रियाज से सिक्रीट होता है, पेंक्रियाज में बीटा सेल, पेंक्रियाज का आइसोलेट्स ऑफ लैंगर हैंस है, उसमें पाया जाता है हमारा बीटा सेल जो सिक्रीट करता है हमारा इंसुलिन, ठीक है, ये आप लोगों जानते होंगे कुछ, अल्फा सेल ग्लूकेगॉन, बीटा सेल हमारा क्या करता है, इंसुलिन का सिक्रीशन करता है। पेंक्रियाज को बोलते हैं हम लोग मिक्स ग्लैंड, ठीक है, मिक्स ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, जो क्या करता है हमारा एक्सोक्राइन व एंडोक्राइन दोनों होता है, जिसमें से एक्सोक्राइन की बात करते हैं तो एक्सोक्राइन में हमारा क्या होता है, हमारा पेंक्रियाटिक जूस होता है, और एंडोक्राइन में कौन सा होता है, हमारा आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो निकालता है हमारा ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, ठीक है, तो सब आप लोगों को कुछ पता होगा, ठीक है। उसकी डिफिशियंसी, इसकी डिफिशियंसी से कौन सा होता है हमारा, डायबिटीज मिलेटस होता है हमारा, जो किसमें बोलते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, तो ऐसे बस लिख लेते हैं हम लोग, डिफिशियंसी से क्या होता है हमारा, डायबिटीज मिलेटस होता है, डायबिटीज मिलेटस यानी इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी, ठीक है। और इसी से जुड़ता हुआ एक हमारा डायबिटीज इंसिपिडस है, डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है हमारा, एडीएच के कारण होता है, ठीक है, तो दोनों कंफ्यूज मत होना, डायबिटीज मिलेटस है इंसुलिन के कारण हमारा, और एडीएच के कारण हमारा डायबिटीज इंसिपिडस होता है, जो हम लोग एक्सक्रेटरी ऑर्गन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो जब ये इंसुलिन हमारा, ये चीजें होने लगी हमारा कि इंसुलिन की कमी होने लगी बॉडी में, डायबिटीज देखा गया, डायबिटीज बहुत जनसंख्या में लोगों को हो रहा है, तो फिर सोचा गया कि अभी इनको इंसुलिन दे तो दे कहाँ से, तो पहले क्या करते थे कि कैटल और पिग, कैटल एंड पिग, जो कैटल्स हैं और कुछ पिग है हमारे, ठीक है, आज बता देंगे, और जब पढ़ाएंगे फिजियोलॉजी तो बता देंगे डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मिलेटस, डायबिटीज मिलेटस में बस इतना याद रखो कि हमारा क्या होता है, पेंक्रियाज जो बीटा हमारा
ठीक है, जो दोनों हम चैप्टर जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएं डायबिटीज मिलेटस में क्या होता है, हमारा ग्लूकोज की कमी के कारण सिर्फ हमारा पेंक्रियाज जिसमें बीटा और आइसोलेट्स ऑफ ब्लेंडर है जिसमें बीटा सेल काम करता है। ठीक है चलो, अब यहाँ पे बात करते हैं तो क्या हुआ कैटल एंड पिग को, ठीक है उसको क्या करते थे, उसके पेंक्रियाज को सेटल कर देते थे, कट करके वहां से हम क्या करते थे इंसुलिन लेते थे और दूसरे को देते थे। ठीक है, ह्यूमन बॉडी को लगाया जाता था। ठीक है, अब जो इंसुलिन है, ठीक है हम किसे लिए, डॉग एंड कैटल से लेते थे तो दूसरे बॉडी में डाले। ठीक है चलो, तो काम चल गया, इंसुलिन तो मिल गया, बट उसके साथ साथ उसके कुछ और भी सेल हमारे बॉडी में आने लगे और इंसुलिन उसमें कैसा काम करने लगा, हमारा फॉरेन पार्टिकल की, क्योंकि हमारा बॉडी नहीं है दूसरे बॉडी का पार्ट है। ठीक है, तो ये चीजें चली कुछ दिन तक चली, लेकिन हम कितने जानवर को मारेंगे यदि डिजीज होने लगी, बढ़ने लगी, देखा कि डिजीज कई लोगों को हो रही है तो हम कितने जानवर को ऐसा कट करके पेंक्रियाज से निकालेंगे। ठीक है, पहला तो ये रिस्क है, दूसरा कि जब हम दूसरे बॉडी से कुछ डायरेक्ट एंट्री करा रहे हैं तो उसके कुछ सेल हमारे बॉडी में आ जाते जिससे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हो जाते थे। ठीक है, कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलने लगा। ठीक है, तो अब सोचा गया क्यों ना डायबिटीज को हम लैब में बनाया जाए बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प लेके। तो कुछ हमारे साइंटिस्ट आए, इसको बनाना शुरू किया डायबिटीज को। कुछ हमारे साइंटिस्ट हैं बेंटिंग एंड बेस्ट हमारे हैं, फिर हमारे सेंगर हैं, कि देखा कि कैसे इंसुलिन हमारे जो बॉडी में इंसुलिन है उसको हम लोग बाहर कैसे मेच्योर कर सकते हैं, तो ई कोलाई का हेल्प लिए, बैक्टीरिया का हेल्प लिए और बनाना शुरू किया। तो हम लोग कुछ पॉइंट पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ हमारे हैं, इन अर्लियर टाइम इंसुलिन वाज एक्सक्रेटेड फ्रॉम एक्सक्रेट किया हमारा। ठीक है, निकाला गया किससे, हमारे पैंक्रियास से। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग कुछ यहाँ पे, इन अर्ली टाइम इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पेंक्रियाज फ्रॉम स्लॉटर्ड slaughtered cattle से एंड किससे, हमारा पिग। ठीक है, पहले पूछा था आपको किससे निकाला गया, पिग से। ठीक है, अब देखो ये पिग से निकाला गया एंड सम ह्यूमन, सो अब देखो ये तो पिग से निकाला गया, हमारा इंसुलिन निकाला गया किससे, हमारा कैटल से, पिग से डाला गया ह्यूमन में, लेकिन ह्यूमन में क्या हुआ, कुछ सम ह्यूमन में, सम ह्यूमंस में क्या कर गया, हमारा एलर्जिक रिएक्शन शो करने लगे इन द किसके अगेंस्ट, हमारा फॉरेन बॉडीज के खिलाफ। ठीक है, तो लिख लेते हैं हमारा सम ह्यूमन सो एलर्जिक रिएक्शन एंड क्या करें, हमारा फॉरेन बॉडी रिएक्शन अगेंस्ट देम। ठीक है, उसके खिलाफ क्या करने लगे, हमारे रिएक्शन शो करने लगे। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं की। ठीक है, तो अब फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर जान लेते हैं, स्ट्रक्चर किसने दिया था, तो हेडिंग डाल लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। ठीक है, देखो पहला जो हमारा इंसुलिन निकाला गया, देखा गया इंसुलिन हमारा, तो पहला इंसुलिन हमारा डॉग के पेंक्रियास से निकाला गया था, फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड इंसुलिन फ्रॉम डॉग पेंक्रियाज से, जिसने किया था बेंटिंग एंड बेस्ट ने। ठीक है, पहले इन्होंने सोचा जब इंसुलिन की कमी होने लगी बॉडी में, लोगों को डायबिटीज होने लगा, तो इन्होंने क्या किया, डॉग के पेंक्रियाज से ही इंसुलिन निकालना शुरू किया कि कम से कम कुछ तो करें हम लोग। ठीक है, तो पहला हमारे हैं, लिखते हैं साइंटिस्ट का नाम कौन थे हमारे, बेंटिंग एंड बेस्ट, फर्स्ट साइंटिस्ट हमारे बेंटिंग एंड बेस्ट हैं, जो क्या किए, फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड इंसुलिन फ्रॉम डॉग पैंक्रियाज, डॉग पैंक्रियाज 1928 की बात है, 1928 में ये काम किए। ठीक है, देखो कब की बात है हम लोग पता ही नहीं होंगे। ठीक है, 1928 की बात है, फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड इंसुलिन फ्रॉम डॉग पैंक्रियाज से लिया इन्होंने। ठीक है, अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग सेंगर।
नेक्स्ट हमारे आए सेंगर साहब आए, ठीक है। अब सेंगर ने क्या किया होगा, सेंगर को लिख लेते हैं। सेंगर ने क्या किया, इसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि कैसा होता है मोलिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो गेव मोलिकुलर स्ट्रक्चर अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन, और इंसुलिन कैसा होता है हम जानते हैं, प्रोटीन है, तो प्रोटीन है तो किसका बना होगा हमारा, अमीनो एसिड का बना होगा, ठीक है, अमीनो एसिड का बना होगा, ठीक है। चलो ये हमारे सेंगर ने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, लेकिन बेंटिंग एंड बेस्ट ने क्या किया था, पहला इंसुलिन निकाला था किससे, डॉग है पेंक्रियाज से हमारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो लिख लेते हैं हम लोग एब मेच्योर इंसुलिन के बारे में, ठीक है, मेच्योर इंसुलिन, और अभी पढ़ेंगे दोनों हमारा, ठीक है, जो मेच्योर नहीं है हमारा, ठीक है। मेच्योर इंसुलिन में क्या होता है, यदि स्ट्रक्चर देखा गया टू पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, और जॉइंड किसके होते हैं हमारे, जॉइंड बाई टू डाई सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, टू डाई सल्फाइड बॉन्ड। देखो जहां पे डाई सल्फाइड बॉन्ड होगा, टू डाई सल्फाइड बॉन्ड जहां पे भी होगा, तो याद रखना, ठीक है, वो क्या होगा, 3D स्ट्रक्चर होगा, कैसा होगा, 3D स्ट्रक्चर, और इंसुलिन जो होता है वो कैसा होता है हमारा, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है हमारा इंसुलिन, ठीक है। नॉर्मली प्रोटीन आपको दिया गया होगा दूसरे स्ट्रक्चर का, ठीक है, आपको हाँ डाइसल्फाइड ब्रिज भी बोलते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो डाइसल्फाइड बॉन्ड हमारा इंसुलिन कैसा होता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, और कितने अमीनो एसिड का बना होता है, 51 अमीनो एसिड का बना होता है हमारा, 51 अमीनो एसिड का बना होता है। अब देखते हैं कैसे, अब दो हमारे हैं तो दो लिख लेते हैं, पहला कौन सा हमारा लिखते हैं, ए चेन है हमारा फर्स्ट, इसमें क्या होता है हमारा ए चेन, दो है हमारे, दो चेन है हमारे यहाँ पे, दो पॉलीपेप्टाइड चेन है। दूसरा जिसको बोलते हैं बी चेन, ठीक है। अब देखो डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं कि डायग्राम कैसा होता है हमारा, ये बना लिया हमारा ए चेन, और इसके नीचे हम लोग बना लेते हैं हमारा, ये हो गया हमारा बी चेन, ठीक है। इसको कौन सा हमारा ए चेन, और ये हमारा बी चेन, दोनों आपस में जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, तो जोड़ लेते हैं। चलो ये हो गया हमारा, देखो ये हमारा हो गया ए एंड बी चेन हो गया हमारा, ठीक है। अब देखा जाता है कि ए चेन कितना होता है हमारा, 21 अमीनो एसिड का बना होता है, और ये हमारा 30 अमीनो एसिड का बना होता, हो गया 51। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये 21 अमीनो एसिड का है और ये हमारा 30 अमीनो एसिड का है, लेकिन बट अब पूछा जाए ए चेन में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे और बी चेन में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, कि जो ए चेन है उसमें आपको पता है 21 अमीनो एसिड है, बी में 13 अमीनो एसिड है हमारा, 30, ठीक है। अब आप पूछा जाता है 21 अमीनो एसिड में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, ए चेन में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे और बी चेन में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, आपको पूछा गया है कि क्या हमारा न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे, न्यूक्लियोटाइड के बारे में पूछा जा रहा है दोनों जगह पे, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को बता दिया गया है न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे, तब तक आप सर्च नहीं करना है, आप लोग सोचो और बताओ, आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए एंड बी चेन, हमारा मेच्योर इंसुलिन की बात करें, यदि हम लोग बात करें ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में मेच्योर बाद में होता है, पहले क्या होता है प्री मेच्योर होता है, या फिर बोलते हैं से प्रो इंसुलिन, जिसका स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इन मैमल्स, या फिर ये बात करें ह्यूमन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज, कौन सा बनता हमारा प्रो इंसुलिन, कौन सा बनता हमारा प्रो इंसुलिन बनता हमारा, सिंथेसाइज प्रो इंसुलिन, इसमें क्या होगा हमारा एक्स्ट्रा सी चेन होता है, क्या होता है हमारा एक्स्ट्रा सी चेन होता है, कैसे, मान लेते हैं ए चेन और ये हो गया हमारा बी चेन, ठीक है, दोनों के बीच में कौन सा हमारा सल्फाइड बॉन्ड है हमारा, कौन सा हमारा डाई सल्फाइड बॉन्ड, ए हो गया और बी हो गया। अब जो एक्स्ट्रा चेन है कैसा होता है हमारा,
यहां से, ठीक है, देखो ए से जुड़ता है कहां पे हमारा, बी पे, इसे बोलते हैं सी चेन बोलते हैं, ठीक है। ये बना होता है हमारा 33 अमीनो एसिड का बना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए एंड बी एंड सी, ठीक है। अब इसी से हमारा क्या बनता है, हमारा मेच्योर इंसुलिन बनता है। पहले हमारा प्रो इंसुलिन होता है, बाद में कैसा होता है हमारा मेच्योर इंसुलिन। जब मेच्योर होता है तो सी वाला हट जाता है, बचेगा ए एंड बी। तो पूछा था प्रो इंसुलिन में कितने होते हैं, तो ए एंड बी एंड सी तीन चेन होते हैं, बट जब मेच्योर होता है तो कितने होते हैं, ए एंड बी। और ये आपका डायग्राम डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तब तक आप न्यूक्लियोटाइड को बताना कि न्यूक्लियोटाइड कितना होता है बेटा हमारा, तो ए चेन में और बी चेन में, ठीक है। अब देखो सी चेन कब होगा हमारा, रिमूव हो जाएगा हमारा कब, जब क्या होगा हमारा मैच्यूरेशन। जब मैच्यूरेशन होगा तो हमारा सी चेन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा ह्यूमन बॉडी का है, अब यही चैलेंज है हमारा है इंसुलिन को बनाना हमारा, ठीक है, किसके थ्रू, आरडीटी, ठीक है। क्या हमारा बिग चैलेंज था, सिंथेसाइज इंसुलिन बाय आर डी टी वॉज टू मॉडिफाइड इन टू मेच्योर इंसुलिन, RDT का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो होती है हमारा। अब उसके बाद बिग चैलेंज था कि हम कैसे बनाए प्रो इंसुलिन या फिर मेच्योर इंसुलिन, ठीक है। तो कुछ अमेरिका ही काम कर सकती है, बिगेस्ट चैलेंज ले सकती है, काम करती है, लेकिन रिजल्ट कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, फिर इंडिया वाले भी मदद करते हैं, ठीक है। चलो तो पहला हमारा जो था अमेरिकन कंपनी है, जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर टिक कर देते हैं, 1983 की बात है, 1983 में ये कंपनी आई जिसको बोलते हैं ई लिली, ठीक है, ई लिली कंपनी आई, ठीक है। कौन सी आई, ई लिली कंपनी आई, जो कौन सी कंपनी थी हमारी, कहाँ की हमारी, अमेरिकन कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी हमारी ई लिली, क्या थी हमारी, अमेरिकन कंपनी थी, जिन्होंने ही इंसुलिन बनाना शुरू किया। कंस्ट्रक्टेड ऑफ इंसुलिन सीक्वेंस ए एंड बी चेन इंसर्टेड इनटू डिफरेंट ई कोलाई, ठीक है। ई लिली कंपनी थी जो शुरुआत की थी, क्या किया इन्होंने कि जो इंसुलिन था हमारा, ठीक है, उसी का जो ए एंड बी चेन था हमारा, डीएनए का सीक्वेंस लेंगे, ठीक है, डीएनए का सीक्वेंस लेके, या वैसा नहीं तो डायरेक्ट हम बनाने कहीं से निकालेंगे उसको, लार्ज स्केल पर बनाएंगे, फिर हमारा इंसुलिन बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो डीएनए सीक्वेंस फॉर क्या लेंगे, ए एंड बी, ठीक है, सीक्वेंस ए एंड बी चेन, ठीक है, एंड कहां पे इंसर्ट कर देंगे, इंसर्टेड देम इनटू होस्ट सेल या डिफरेंट डिफरेंट ई कोलाई विथ, क्या करेंगे, विथ सुटेबल वेक्टर, विथ सुटेबल वेक्टर, ठीक है, जो हमारा वेक्टर जानते हो कौन सा होगा, प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए एंड बी चेन को हम क्या करेंगे, ई कोलाई में डाल देंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, सेपरेटली दोनों को एक साथ नहीं करेंगे, दोनों को एक साथ नहीं डालेंगे, दोनों को सेपरेट डालेंगे, एक में ए चेन डालेंगे, दूसरे कोलाई में बी चेन डालेंगे, फिर दोनों को निकालेंगे, फिर लैब में हम क्या कर सकते हैं, कुछ मीडियम दे के हम डाइसल्फाइड बॉन्ड्स उसको जोड़ सकते हैं और काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीजें देखो पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं कि ए एंड बी चेन वेयर सेपरेटली, अभी बता रहे हैं बेटा जिसका भी डाउट है, सेपरेटली प्रोड्यूस, ठीक है, या फिर एक्सट्रैक्टेड एक्सट्रैक्ट एंड फिर क्या करेंगे हम लोग, डाई सल्फाइड एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर हम लोग डाई सल्फाइड बॉन्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन देम, ठीक है, दोनों क्या कर देंगे हम लोग, इंट्रोड्यूस कर देंगे डाई सल्फाइड बॉन्ड, क्योंकि डाई सल्फाइड बॉन्ड होता ही है हमारे पास, हाँ, किसने बताया, 63 एंड 93, ठीक है, ए एंड बी चेन, ठीक है, 93 नहीं बेटा, 63 तो सही है, 30 अमीनो एसिड है, 30 अमीनो एसिड है हमारे, ठीक है, जडेडा, ठीक है, तो उसमें हमारा कितना होगा, 19, ठीक है, 9063 सही है आपका, एंड बी में 90, ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही, ठीक है। चलो
बहुत सही, वेरी गुड, रॉक लेफ्ट रॉक, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो एक लोगों ने तो बता दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया कि ए एंड बी, अब देखो एक हो सकता है कि चलो हमने ह्यूमन से प्रो इंसुलिन निकाल लें, ठीक है, प्रो इंसुलिन निकाल लें और हम क्या करें ई कोलाई के अंदर डाल दें, ठीक है, हमारा ये काम कर सकते हैं कि प्रो इंसुलिन निकाले और ई कोलाई के अंदर डाल दिए, डाल दे सकते हैं। बट अब ये बिगेस्ट चैलेंज है, देखना यहाँ पे फिर हम रब कर देंगे या फिर छोड़ देंगे, कि जैसे मान लो आप लोग ध्यान हो तो, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, थोड़ा सा पढ़े हैं, यहाँ पे भी पढ़े थे हम लोग, ये मान लो हमारा ई कोलाई है, ई कोलाई में हम लोगों ने क्या कर दिया, देखना कि ये हमारा है ए एंड बी चेन है, ठीक है, ये कौन सा हमारा ए एंड बी चेन, हमारा डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है, और ए हमारा सी चेन है, ए हमारा होस्ट सेल है, कौन सा ई कोलाई, इस तरह की कोलाई है, ठीक है, इसमें डाल दिए कि सर इसमें हम प्रोइंसुलिन डाल देते हैं तो प्रोइंसुलिन बनता जाएगा, फिर हमारे बॉडी में डालकर उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, बट हमको क्या चाहिए, मैच्योर इंसुलिन चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी ही तो नहीं बना पा रही है, प्रोइंसुलिन तो बन रहा होगा बॉडी में लेकिन मैच्योर नहीं हो पा रहा होगा किसी वजह से, इस नाते इंसुलिन हमारी कुछ कमी हो गई, और मेडिकल में और भी बताया जाएगा आपको डिटेल में कि कैसे नहीं बनता, क्या कमी कारण होता है हमारा पैंक्रियाज में, ठीक है। चलो अब इसमें डाल दिए कि सर इसमें डाल दिए इकोलाई में, और ये हमारा क्या करेगा, डिवीजन करेगा, एक से दो सेल में बनेगा, तो सबके अंदर हमारा प्रो इंसुलिन होता जाएगा, फिर वो मेच्योर इंसुलिन में बना देंगे। बट आप लोगों को ध्यान होगा कि इकोलाई के पास कोई कटिंग सिस्टम नहीं होता, कटिंग सिस्टम मतलब कि जैसे हम लोग वहां पे बात करते थे कि जब प्रोकैरियोटिक की बात करें तो सिर्फ उसमें देखो एक्सॉन 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 ऐसे पढ़ते थे, एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन, ये हमारा यूकैरियोटिक में पढ़ते थे, बट प्रोकैरियोटिक में सिर्फ हमारा कोडिंग पार्ट होता था, सिर्फ कौन सा होता हमारा कोडिंग पार्ट होता था, हमारा एक्सॉन इंट्रॉन को हटा देते थे, ठीक है, एक्सॉन एक्सॉन इस तरह करके, ठीक है। चलो तो जब इसके पास कटिंग, जैसे इसको हटाना है हमारा, जैसे मान लो कि हमारा काम वाला चीज नहीं, तो इसके पास कोई ऐसी स्प्लाइसिंग वाली चीजें नहीं होती है, यानी हमारा क्या करते हैं हम लोग स्प्लाइसिंग, इसमें क्या होता है हमारा एबसेंट, इसके पास ऐसी कोई पावर नहीं होती जो स्प्लाइसिंग को एबसेंट कर सके, स्प्लाइसिंग कर सके, तो यदि ये डाल दिए तो ये ही बनाता जाएगा वो, और स्प्लाइसिंग नहीं कर पाएगा, यानी हमारा सी हमारा जो चेन है इसको रिमूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस नाते हम क्या करते हैं ई कोलाई लेते हैं, बट एक में ए हमारा ए डालते हैं, दूसरे में क्या डालते हैं हम लोग बी चेन सेपरेटली प्रोड्यूस, ठीक है, फिर वहां से एक्सट्रैक्ट कर देंगे, फिर उसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करके हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं सेपरेटली प्रोड्यूस करते हैं हम लोग ए एंड बी चेन को इन द हमारा किसमें ई कोलाई होस्ट सेल को, ठीक है ठीक है। अब देखो अब यहां से आएगा, ठीक है, यहां से हम बात करते हैं, देखो चलो ठीक है, कि यहां से हमारा दे प्रोड्यूस जेनेटिकली इंजीनियर जो इंसुलिन बनाया गया था 5 जुलाई 1983 में, जिसको बोला गया ह्यूमिलिन बोला गया, ठीक है, तो लिख लेते हैं दे प्रोड्यूस जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इन 5 जुलाई 1983 में, जिसको बोला गया ह्यूमिलिन, क्या बोला गया हमारा ह्यूमिलिन, जो ई लिली हमारी कंपनी अमेरिकन कंपनी जो 5 जुलाई को 1983 में बनाई, जिसको बोलते हैं ह्यूमिलिन बोला गया, ठीक है, ह्यूमिलिन बोला गया, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा 5 जुलाई, हमारा ये हो गया हमारा, अब बनाया कैसे था उसके बारे में देख लेते हैं। हमारा एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं बना के दिया गया, बस नाम लिखा गया ई लिली कंपनी थी जो अमेरिकन कंपनी थी, 1983 में एक आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया गया, ठीक है। अब करेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे ये मान लो हम लोग ई कोलाई ले गए, ध्यान से सुनना आप लोग, ये हमारा इस तरह का कोलाई है हमारा, ठीक है, इसका खुद का इसके पास डीएनए है, ठीक है, डीएनए के साथ साथ इसके अंदर क्या है हमारा, ये बना लेते हैं कौन सा हमारा प्लाज्मिड, ठीक है, इसके क्या पास हमारा प्लाज्मिड है, ठीक है, ये हमारा लिख लेते हैं हमारा, रुकना एक मिनट, यहाँ एरो बना लेंगे, आगे लिखेंगे, ये कैसा हमारा आइसोलेटेड प्लाज्मिड फ्रॉम ई कोलाई ले लिया हम लोग, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, प्लाज्मिड को कट कर देंगे, किससे करेंगे हम लोग, कट कर दिए किससे हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम से कट किए,
तो हमारा ये जो प्लाज्मिड है ये बाहर आ गया, ठीक है। प्लाज्मिड को हम कट कर दिए, कट बोथ विथ सेम, जानते हो सेम रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, यहाँ पे कट किए किससे, इको आर वन, ठीक है। ये हमारा अभी प्लाज्मिड लिए, यहाँ पे आइसोलेटेड प्लाज्मिड, यहाँ पे क्या कर लिए हम लोग, दूसरी चीज बात करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लिए ह्यूमन सेल, यहाँ पे क्या ले लिए, कोई भी ह्यूमन सेल ले लिए, क्या ले लिए हम लोग, ह्यूमन सेल ले लिए, और ह्यूमन सेल में से हम लोग क्या कर दिए, आइसोलेटेड डीएनए आइसोलेट कर दिए, किसको, डीएनए को, तो यहाँ पे हमारा डीएनए हो गया, ठीक है। ये डीएनए हो गया और हमारा प्लाज्मिड हो गया, दोनों को हम लोग सेम रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से कट करेंगे, कौन सा हमारा, इको आर वन। अब यहाँ से देखो कट किए हैं इसको सेम रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, तो चलो ये डीएनए कट हो गया हमारा, और यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे इसको कट किए हम लोग, तो मान लेते हैं कि ये हमारा ये प्लाज्मिड इधर हो गया और ये कट करके इधर आ गया, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से कट किए हैं। अब दोनों देखना, यहाँ से प्लाज्मिड इकोलाई है और यहाँ पे कौन सा था हमारा, ह्यूमन डीएनए है जो हमारा इंसुलिन बना रहा था, ठीक है। अब देखो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, जानते हो किससे जोड़ेंगे, हमारा डीएनए लाइगेस, डीएनए लाइगेस इन दोनों को क्या कर दिया, आपस में कंबाइन कर, ये जो हमारा है जीन जो डीएनए है क्या कर रहा था हमारा, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, कोई इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन था जिसके पास इंफॉर्मेशन था इंसुलिन बनाने का, ठीक है। तो यदि हम इसको यहाँ से निकाल लें, इंसुलिन जो जीन, हर जीन क्या होते हैं, हर हर जितने भी चीजें बनती हैं वो कब क्या होते हैं, हमारे डीएनए पे लोकेटेड होते हैं, यानी जीन पे हमारे इंफॉर्मेशन होती है हर क्रोमोसोम। तो ये दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, चलो अब जोड़ देते हैं, ये हमारा कौन सा है, ये प्लाज्मिड था और इसके ऊपर हम लोगों ने, रुकना एक मिनट, ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने इस डीएनए को जोड़ दिया, ठीक है, ये हमारा डीएनए को जोड़ दिया। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर डीएनए बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोला जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोला गया, ठीक है। अब देखो अब इसको क्या करना है हमको, कि यहाँ पे कोई एक हमारा होस्ट सेल है, ठीक है, क्या हमारा होस्ट सेल कौन सा, हमारा ई कोलाई, यहाँ पे भी कौन सा, ई कोलाई, उसके पास खुद का डीएनए है, बट यहाँ पे याद रखेंगे कि जो ई कोलाई लेंगे या फिर जो वेक्टर्स यहाँ पे यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए, हमारा प्लाज्मिड फ्री होना चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या लेंगे, हम लोग प्लाज्मिड फ्री ई कोलाई, क्या लेंगे हम लोग, प्लाज्मिड फ्री ई कोलाई लेंगे और इसको इंट्रोड्यूस करा देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये कौन सा हमारा प्लाज्मिड फ्री इस तरह की कोलाई है, प्लाज्मिड फ्री इस तरह की कोलाई, इसके पास खुद का डीएनए है, ठीक है, और जो हम लोग इसके अंदर प्लाज्मिड के साथ है इसको अटैच किए थे, हम लोग डीएनए को अटैच किए थे, उसको इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। अब इंट्रोड्यूस कर दिए होस्ट सेल के अंदर, डाल दिए प्लाज्मिड साथ अटैच करके हीट शॉक ट्रीटमेंट पे, ठीक है। अब इसको डालने के बाद इसको कहाँ डालेंगे, हम लोग जान गए कि हमारा काम लायक है, तो इसको किसके अंदर डालेंगे, बायो रिएक्टर के अंदर डालेंगे, किसके अंदर डालेंगे बेटा, किसके अंदर, बायो रिएक्टर के अंदर डालेंगे, और बायो रिएक्टर क्या करेगा हमारा, कल्चर एट लार्ज स्केल, हम जानते हैं बायो रिएक्टर क्या काम करता है, कल्चर एट लार्ज स्केल पे, चलो लार्ज स्केल पे बना लेते हैं, कि ये मान लो कि एक यहाँ बन गया, दो तीन इस तरह करके बना दिए, और भी सोन, ठीक है, और भी हो गए हमारे, देखो अब डबल मेम्ब्रेन बना लेते हैं, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन हमेशा तो होते हैं, जो ट्रिपल मेम्ब्रेन ग्लाइकोकैलेज को नहीं बनाना है हमको, ठीक है, एक नॉर्मली डायग्राम बना रहे हैं आप लोगों को, कि ए पहले तो इसका, इसके पास खुद का तो डीएनए होगा ही, खुद का डीएनए होगा ही, वो तो गायब नहीं होगा, बट इसके साथ साथ हमारा क्या हो गया, प्लाज्मिड के साथ साथ एक कॉपीज बनी और नंबर ऑफ मल्टीप्लाइज कॉपीज बनती हुई चली गई, इस पर अटैच होते गए हमारे डीएनए। तो ये हमारा बायो रिएक्टर, इसको क्या कर दिया हम लोग, नंबर में ज्यादा बना दिए, ठीक है। अब जब नंबर में बढ़ गया, यानी हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा एक्सप्रेशन ऑफ जीन इनटू इंसुलिन प्रोटीन इन ऑल ई कोलाई इस तरह किया कोलाई, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट हम जाते हैं किस में डालेंगे हम लोग, डाउन स्ट्रीम
प्रोसेस है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग इसके बाद, डाउन स्ट्रीमिंग करेंगे, क्योंकि जब हमको लार्ज स्केल पे मिल गया तो अब क्या करना है, डाउन स्ट्रीमिंग करना है, क्योंकि हमको क्या करना है, प्यूरिफिकेशन है, सेपरेशन कर देंगे। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस से करेंगे तो हम क्या कर दिए, आइसोलेटेड इंसुलिन प्रोटीन मिल गया। कौन सा हो गया, आइसोलेटेड इंसुलिन प्रोटीन मिल गया, हमारा प्यूरिफाइड हमारा प्रोटीन हमारा इंसुलिन मिल गया। एंड स्टोरेज करेंगे, स्टोर करने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, मार्केटिंग कर देंगे, मार्केटिंग पर्पज से मार्केटिंग, एंड क्या करेंगे हम लोग, सेलिंग कर देंगे। ये हमारा प्रोसेस है पूरा इंसुलिन बनाने का, ठीक है। देखो यहाँ से, ठीक है, ये हमारा इंसुलिन बनाने का पूरा प्रोसेस था कि कोई हम लोग पहले एक प्लाज्मिड सेल लेंगे आइसोलेटेड, क्योंकि हमको प्लाज्मिड में अटैच करना है, और ह्यूमन सेल लेंगे ऐसा जो हमारा वहाँ पे डीएनए, जानते हैं ह्यूमन सेल के डीएनए पे क्या होता है, हमारा हर चीज करेक्टर लोकेटेड था, जो चीज बनना है, चाहे हमारा डीएनए बनना है, चाहे इंसुलिन बनना है, चाहे ग्लूकेगॉन बनना है, चाहे हमारा पैंक्रियाटिक जूस बनना है, जो भी चीजें बननी है सब उनको पता रहता हमारे डीएनए को कि करना क्या है। तो हम लोग दोनों को क्या किए, कट किए, सेम रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से कट करना है हमको, सेम ई कौन सा हम लोग लिए, इस तरह किया कोलाई आर वन ले लिए, दोनों को अटैच कर दिए। इससे हमारा क्वेश्चन पिछले नीट में पूछा जाता है कि हमारा अटैच करने का कौन सा काम करता है, डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज से अटैच कर दिए, हमारा आर डीएनए हमको मिल गया। अब इस आर डीएनए को हमको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है होस्ट सेल के अंदर। तो प्लाज्मिड फ्री ई कोलाई लेंगे, यदि प्लाज्मिड होगा तो फिर वहां दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। तो प्लाज्मिड फ्री ई कोलाई लिए और इंट्रोड्यूस कर दिए, फिर इसको क्या कर दिए, बायो रिएक्टर में डाल दिए, बायो रिएक्टर में लार्ज स्केल पे मिल गया। फिर इसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेस से करके हम लोग आइसोलेट कर लिए और प्यूरिफाइड करके मार्केट में सेल कर दिए। इसी को बोलते हैं हम लोग ह्यूमेलिन बनाया गया ई लिली कंपनी के द्वारा, ठीक है। चलो ठीक है, ये हमारा है इंसुलिन के बारे में। अब देख लेते हैं किसी का कोई था, डाउट था, मैसेज आया था, नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब आता है आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या थे हमारे, क्वेश्चन था हमारा कि वर्ल्ड डायबिटीज डे कब होता है, ठीक है। कौन सा, वर्ल्ड डायबिटीज डे, नोट करके लिख लेते हैं कुछ पॉइंट हमारा, नोट कि वर्ल्ड डायबिटीज डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब आता है, ठीक है। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे हमारा 14 नवंबर, इस बार इस दिन दिवाली भी थी शायद, 14 नवंबर हमारा आता है। अब देखो ये क्यों आता है हमारा, किसके हमारा 14 नवंबर क्यों फिक्स किया गया, क्योंकि इसी दिन जो बेंटिंग हमारे थे जो हमारे डॉग के पेंक्रियास निकाले थे, उनका बर्थडे आता है, बेंटिंग बर्थडे, ठीक है। तो उन्हीं पहले उन्हीं ने इंसुलिन का एक्सट्रैक्शन किया था, तो उन्हीं के नाम उन्हीं के बर्थडे पे हम लोग डायबिटीज डे मनाते हैं, ठीक है। अब देखो पहला हमारा ह्यूमिलिन था, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो था हमारा, जिसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमेलॉग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ह्यूमेलॉग, ठीक है। अब ये क्या था, ठीक है। अब देखो जो हमारा ह्यूमिलिन था, ह्यूमिलिन हमारा इंसुलिन तो बन गया, हमारा वहां से इंसुलिन बन गया, लेकिन जो उसका मोड ऑफ एक्शन था थोड़ा सा स्लो था, ठीक है। यदि हम कोई चीज बना रहे हैं तो उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, थोड़ा फास्ट होना चाहिए, जल्दी से होना चाहिए। बट यहाँ पे देखा गया कि जो मोड ऑफ फंक्शन था हमारा, या फिर मोड ऑफ एक्शन था हमारा, वो क्या था हमारा, कम था ह्यूमिलिन का इन द रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमेलॉग। तो ये एक आर्टिफिशियल फिर बनाया गया, जिसको बोलते हैं ह्यूमेलॉग। क्यों बनाया गया, क्योंकि इसका क्या था हमारा, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन था, क्या था हमारा, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन था। क्यों, क्योंकि क्या था, फास्टर था हमारा, 10 to 15 मिनट फास्टर, मतलब तुरंत हमारा इन 10 to 15 मिनट में ही क्या करता था, वो अपना काम एक्शन शुरू कर देता है। गेट्स इनिशिएटेड, गेट्स इनिशिएटेड फास्टर 10 to 15, ठीक है। और एक इसको ह्यूमिलिन बनाया किसने हमारा, पहले तो ये बात करते हैं, ठीक है, कि किसने बनाया था हमारा, किसने बनाया नहीं, किस कंपनी ने बनाया था, तो वही कंपनी थी ई लिली एंड, ई लिली थी हमारी, क्योंकि ह्यूमिलिन बनाई थी,
दूसरा इसके साथ आ गया हमारा रेनबैक्सी। रेनबैक्सी इंट्रोड्यूस्ड एनालॉग ऑफ किसका, इंसुलिन। ठीक है, किसका एनालॉग ऑफ इंसुलिन बनाया उन्होंने। ठीक है, एनालॉग ऑफ इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इली लिली और रेनबैक्सी क्या किए, ह्यूमलिन पहले बनाया इलीली, फिर रेनबैक्सी आ गया उसके साथ, कहा कि नहीं इसका मोड ऑफ एक्शन थोड़ा कम है, हमारे पास कुछ ऐसे उपाय हैं, तो ये डायरेक्ट तो बना नहीं सकता हमारा, रेनबैक्सी को अथॉरिटी नहीं मिलेगी जब तक इलीली नहीं बोलेगा। तो इलीली इसके साथ जुड़ गया। यदि आप देखो दूसरी कंपनी कुछ बनाती है, यदि आप उसमें कुछ और इंट्रोड्यूस कर दो तो आपको भी वो साथ में ले लेगी, आपको पेटेंट मिल जाएगा। ठीक है, इलीली और रेनबैक्सी दोनों आपस में मिले और इंसुलिन का एनालॉग बनाया जिसको बोलते हैं ह्यूमलॉग, जो क्या था हमारा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन थी। लेकिन बट फर्स्ट जो हमारा इंसुलिन बनाया गया था लैब में कौन सा था, हमारा ह्यूमलिन बनाया गया था। अब देखो नेक्स्ट पूछा जाता है कि जो ह्यूमलिन है, जो इंसुलिन के यहाँ है, वो क्या करते हैं, हम लोग इंजेक्शन लेते हैं, ओरली क्यों नहीं ले सकते। एक क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो इंसुलिन का हम इंजेक्शन लेते हैं उसको ओरली भी तो ले सकते हैं, ड्रॉप मिली है पी गए, गिलास मिली है पी गए, ठीक है तो भी ले सकते थे, बट ऐसा क्यों नहीं था, कोई बताएगा एनीवन कि ह्यूमलिन कैन नॉट टेकन ओरली। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग क्या करते थे हमारे, ह्यूमलिन कैन नॉट टेकन ओरली बिकॉज इट। अब आगे बताओ क्यों, क्या ऐसा हुआ कि हम लोग ह्यूमलिन को ओरली नहीं ले सकते, कोई बताएगा एनीवन कि ह्यूमलिन को हम लोग ओरली क्यों नहीं ले सकते। देखो एक मिनट बेटा, कि ह्यूमलिन को हम लोग ओरली क्यों नहीं ले सकते, चिल्ड्रन डे के दिन। अच्छा चिल्ड्रन डे के दिन, हाँ चलो क्या ओरली क्यों नहीं ले सकते बेटा, कोई बताएगा एनीवन ह्यूमलिन ओरली क्यों नहीं ले सकते, किसी का आया, बिकॉज इट डाइजेस्टेबल। वेरी गुड। ठीक है, क्या करेगा हमारा, प्रोटीन है वो हमारा, और प्रोटीन को क्या करेगा हमारा, स्टमक में ही डाइजेस्ट कर जाएगा, जहां पहुंचना था तहां नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, इट इज डिग्रेडेड या फिर डिग्रेड इन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है हमारा एलिमेंट्री कैनाल में क्या हो जाएगा, हमारा डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, एंड इट इज ऑब्लिगेट। ठीक है, बहुत सही। ठीक है चल, तो ये हमारा ह्यूमलिन के बारे में हो गया, हमारा ह्यूमलिन के बारे में खत्म हो गया। पहला हमारा क्या था, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ इंसुलिन, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब आता हमारा सेकेंड हमारा था कौन सा, जीन थेरेपी की बात करते हैं, जीन थेरेपी। ठीक है, चलो जीन थेरेपी की बात कर लेते हैं हम लोग, हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग जीन थेरेपी, जीन थेरेपी कैसे करेंगे। ठीक है, जीन थेरेपी हम लोग की बात कर रहे हैं। ठीक है चलो, तो जीन थेरेपी में हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास फॉल्टी जीन है, ठीक है जो हमारे लिए काम लायक जीन नहीं है, उसको क्या कर देंगे हम लोग, रिप्लेसमेंट कर देंगे। ठीक है, कब, एम्ब्रियो कंडीशन में या फिर चाइल्ड कंडीशन में, जो जीन हमारे काम लायक नहीं है उसको रिप्लेस कर देंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग जीन थेरेपी बोला जाता है। ठीक है, एक लाइन में लिख लेते हैं हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन विथ ए नॉर्मल फंक्शन जीन इन, कब करेंगे, इन ए चाइल्ड कंडीशन या फिर एम्ब्रियो कंडीशन में ही कर देंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन विथ ए नॉर्मल फंक्शन जीन इन ए चाइल्ड या एम्ब्रियो कंडीशन में ही उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग जीन थेरेपी। ठीक है, अब देखो इससे कुछ हमारे डिजीज, जैसे हमारे कुछ डिजीज के बारे में हम लोगों ने देखा गया, तो इस तरह हमारा एम्ब्रियो में किया जाता है, तो कौन कौन डिजीज ऐसा किया जाता है जीन थेरेपी हमारा, वो सब हमारे हैं सिंगल जीन
डिसऑर्डर्स लाइक स्किड, स्किड का पूरा फुल फॉर्म पढ़ेंगे हम लोग, स्किड हमारा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एंड ये सब क्या थे हमारे, ये सब क्या हमारे जीन, इन सबों को जीन थेरेपी अप्रूव्ड है, हमारा जीन थेरेपी इन सबों पे कर सकते हैं, स्किड सिस्टिक फाइब्रोसिस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, ये सब क्या हमारे जीनेटिकली अप्रूव्ड है, हमारा सरकार से अप्रूवल है, इसके हम लोग जीन थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा सिंगल जीन डिसऑर्डर हमारा, ठीक है। अब देखो, अब हमारा जो पढ़ना है यहाँ पे जीन थेरेपी में, हमारा जो एनसीईआरटी में दिया पहले उसको बात करते हैं कि फर्स्ट जीन थेरेपी कब हुई थी, ठीक है। अब दिया गया हमारा कि फर्स्ट जीन थेरेपी, फर्स्ट जीन थेरेपी कब हुई, ठीक है, तो हुआ हमारा 1990 में हमारा 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर किस पे किया गया था, उस दिया गया आपको एनसीईआरटी में फोर ओल्ड गर्ल, ठीक है, फोर ईयर ओल्ड गर्ल्स पे किया गया था, ठीक है, और उस गर्ल्स का नाम क्या था हमारा, अशांति, अशांति डिसिल्वा, अशांति डिसिल्वा, ठीक है, उस लड़की का क्या नाम था, अशांति डिसिल्वा, आपको एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा है फोर ईयर ओल्ड गर्ल थी जिसमें हम लोग फर्स्ट जीन थेरेपी करते थे, इसको हुआ क्या था, इसको बीमारी हुई थी जिसको बोलते हम लोग स्किड बीमारी थी, एडीए स्किड, ठीक है, डॉक्टर कौन से थे भाई, डॉक्टर ने भी किया होगा तो उनके भी नाम लिख लेते हैं, हमारा विलियम फ्रेंच एंडरसन, जो डॉक्टर थे हमारे विलियम फ्रेंड एंडरसन थे हमारे, जिन्होंने जीन थेरेपी किया था अशांति डिसिल्वा पे, ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे, एट नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ न्यू यॉर्क, न्यूयॉर्क यूएसए, तो देखो सब यूएसए ही कर रहा है हमारा काम, ठीक है, तो ये हमारी कुछ नॉलेज है हमारे, ठीक है, कि विलियम फ्रेंच एंडरसन ने किया एट एनआईएच न्यूयॉर्क यूएसए में किया था, ठीक है, यूएसए यूएसए लिखा गया, चलो ठीक है। अब देखो उसको हुआ क्या था, कौन सा डिजीज था हमारा, फॉर ए डी ए स्किड डिसऑर्डर, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं एडीए स्किड, कौन सा हमारा एडीए स्किड की बात करते हैं, ठीक है, एडीए स्किड क्या होता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी बोलते हैं, ठीक है, और किसके कारण होता है हमारा, एडीए एंजाइम के वजह से, यदि एडीए एंजाइम बॉडी में नहीं बन रहा है तो जो डिजीज होगा उसको बोलते हैं एडीए स्किड। अब एडीए क्या है हमारा, एडीए मतलब होता है एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज, ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज बोला जाता है। अब एडीए एंजाइम की कमी के कारण ये बीमारी होती है। अब कमी के कारण होता क्या है, यदि हमारा एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम यदि कम हो जाए, ठीक है, एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम कम हो जाए तो होता क्या हमारा, कि जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा, लिख लेते हैं पहले, वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून
सिस्टम, ठीक है। क्या करता हमारा एडिनोसिन डीएमिनेज, क्या करता हमारे बॉडी में एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है उसको ब्रेक डाउन करता है, जिसको बोलते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन बनता है हमारे बॉडी में, उसको क्या करता है ब्रेक डाउन करते रहता है। यदि हमारा हमारा डीऑक्सी एमिनोसिन बन गया बॉडी में तो हमारे इम्यून सिस्टम को लो कर देगा, जिसके कारण को बीमारियां होना शुरू हो जाएगी। यदि इम्यून सिस्टम वीक है तो हमको कई बीमारियां होंगे, ठीक है, फिजिकल फिट नहीं होंगे, मेंटल फिट नहीं होंगे, ठीक है। तो एडिनोसिन डीएमिनेज उसको ब्रेक डाउन कर देता था, ठीक है। तो क्या करता है हमारा एडिनोसिन, क्या कर सकता था हमारा, उसको डिग्रेड्स टॉक्सिक सबस्टेंस कौन सा, डीऑक्सी एडिनोसिन ये हमारा टॉक्सिक सबस्टेंस है, इसको ब्रेक डाउन करता है हमारा एडिनोसिन डीएमिनेज। यदि हमारा एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं होगा तो डीऑक्सी एडिनोसिन हमारे बॉडी में बढ़ने लगेगा, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ठीक है। तो करना क्या हमको कि होता क्या हमारा जो लिम्फोसाइट है हमारे यहाँ पे बोन मैरो सेल में सब काम होती है, तो हम लोग करेंगे क्या, अब क्या हो जाता है यदि हमारे में बॉडी में नहीं बन रहा हमारा एडिनोसिन, यानी डिलीशन हमारा डिलीट हो गया, जो जीन पे हमारा एडीए का इंफॉर्मेशन था वो क्या हो गया हमारा गायब हो गया, इस नाते हमारा एडीए नहीं बन रहा है, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जा रहा है। तो डिलीशन ऑफ एडीए जीन कहाँ पे पाया जाता है हमारा, इन बोन मैरो या फिर बोलते हैं हम लोग लिम्फोसाइट से। बोन मैरो जानते होंगे आप लोग, जहाँ पे बोन कनेक्ट होते हैं हेड पोर्शन के पास में या बीच में, वहां पे बोन मैरो पाया जाता है। लॉन्गेस्ट बोन मैरो पूछा, लॉन्गेस्ट बोन हमारा फीमर होता है, वहां पाया जाता है, जहाँ पे अधिकतर ज्वाइनिंग है वहां पे। अब जैसे फीमर हमारा कट गया, जिसके पैर नहीं होते, क्या मतलब ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता, होता है सब में होता हमारा, ठीक है। तो हमारा जो डिजीज, उस बच्चों को जो डिजीज थी हमारा, वहां पे क्या हो गया डिलीशन हो गया एडीए जीन का, कहाँ पे बोन मैरो के पास जो जीन था वो क्या करता था एडीए बनाता था हमारा, एडिनोसिन डीएमिनेज बनाता था, बट वो डिलीट हो गया, जिसके कारण डीऑक्सी एडिनोसिन बढ़ते गया बॉडी में, ठीक है। यदि हमारा क्या होगा नो एडीए एंजाइम, यदि एडीए एंजाइम नहीं है तो हमारा इम्यून सिस्टम की बात करें, हमारा इम्यून सिस्टम सेप्रेस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, सेपरेशन में आ जाएगा, कौन सा हमारा बी एंड टी लिम्फोसाइट हमारा सेपरेस हो गया, ठीक है। और सेपरेस होने के कारण हमको जीन हमारा डिजीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एक और यहाँ पे पूछा जाता है कि जो स्किड डिजीज है कैसा होता है हमारा, स्किड डिजीज हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स होता है, और ये क्या होता है हमारा 50-20% केसेस होता है हमारा एम्ब्रियो में देखा गया, बहुत कम है 50, ठीक है 15-20%, 50-20% ही हमारा ऐसा केस देखा जाता है हमारा कि एडीए का कमी होती है, तो वहां पे हम लोग जीन थेरेपी का यूज किया जाता है, ठीक है। अब आ जाओ जीन थेरेपी करेंगे कैसे, ठीक है, हम लोग जीन थेरेपी करना है, ठीक है। हमको पता चल गया कि हमारा 4 years गर्ल्स पे किया गया था, ठीक है, जिसको डिजीज थी एडीए स्किड डिजीज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज, जिसके कमी के कारण यदि एंजाइम कमी हो जाता है तो डीऑक्सी एडिनोसिन की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ठीक है। तो अब करना क्या हमको, करना क्या हमको जीन थेरेपी करना है, ठीक है, जीन थेरेपी करना है हमको। अब जीन थेरेपी करने के लिए हम लोग दो चीजों का यूज कर सकते हैं, ठीक है, दो चीजों का। पहला हम लोग काम करेंगे कि सोमेटिक सेल ले लें, सोमेटिक सेल जीन थेरेपी करना है, या तो इस तरह कर सकते हैं कोई भी सेल ले लेंगे, या फिर दूसरा हम लोग कर सकते हैं कि जर्म लाइन जीन थेरेपी, जर्म लाइन जीन थेरेपी। जर्म लाइन में किस में बात कर रहा हमारा, स्पर्म एंड ओवम की बात कर रहा है, स्पर्म एंड ओवम में, ठीक है। अब देखो
यार हम लोग सोमेटिक सेल कर रहे हैं। सोमेटिक सेल मतलब दैहिक सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता, जो इनहेरिटेबल नहीं होता, उसे बोलते हैं हम लोग सोमेटिक सेल। तो यदि हमें किसी बच्चे में कर दी है, ठीक है, मान लीजिए उसके में तो कर दिए हमारा, ठीक है, बट हम बोले ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर आगे भी जा सकता है हमारा, तो बच्चे में कर दिए सोमेटिक सेल में, वो तो चलो वहां पे सही हो जाएगा, बट वह आगे यदि किसी बच्चे को हो गया तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, यानी इनहेरिटेबल नहीं है। ऐसा चेक करें इसको, ऐसा चेंज करें कि आगे जो बच्चा हो रहा है उसका जो ऑफस्प्रिंग हो रहा है उसके में भी चांसेस नहीं हो, उसको भी ना हो, ठीक है। तो ये हमारा इसमें कर नहीं सकते हैं क्योंकि नॉट इनहेरिटेबल, ये ऑप्शन में जाता है। हम कुछ सोमेटिक सेल में एडीए के क्यों नहीं कर सकते, तो क्या होता है हमारा नॉट इनहेरिटेबल होता है सोमेटिक सेल, तो वहां पे जीन थेरेपी नहीं कर सकते। सिर्फ हमारा टारगेट है यदि इतना बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, सारी चीजें हम कर रहे हैं, तो ऐसा ट्रीट करें फिर जो उसके आने वाली पीढ़ी है उसमें भी प्रॉब्लम ना हो इस बीमारी की। अब आया जर्म लाइन या जीन थेरेपी, ये तो हम जानते हैं कैसा होता है हमारा इनहेरिटेबल होता है, कैसा होता है हमारा इनहेरिटेबल। On it. चलो ठीक है, हमारा इनहेरिटेबल है, ठीक है, बट अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, हमारा इनहेरिटेबल तो है बट नॉट अप्रूवल है टिल, ठीक है, क्योंकि स्पर्म एंड ओवम में क्या हो सकता है हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है जिसके कारण म्यूटेशन, क्योंकि हम लोग जैसे या ओवम या स्पर्म में डाल रहे हैं ऐसी चीजें, जीन को चेंज कर रहे हैं, याद रखना है किसको चेंज कर रहे हैं हम लोग, जीन को, ठीक है, सडन चेंज करेंगे एम्ब्रियो या फिर ओवम में स्पर्म में, तो हो सकता है म्यूटेशन कॉज कर सके, इस नाते अभी इसको अप्रूवल नहीं मिला है, ठीक है। तो हेडिंग डाल हम लोग लिख सकते हैं नॉट अप्रूव्ड टिल नाउ बिकॉज जीन बिकॉज जीन इनसर्शन इनटू जर्म सेल कैन रिजल्ट इनटू क्या करेगा हमारा म्यूटेशन, क्या कर सकता है हमारा म्यूटेशन कॉज कर सकता है, ठीक है। नॉट अप्रूव टिल नाउ बिकॉज जीन इंसर्शन इंटू जर्म सेल कैन रिजल्ट इंटू म्यूटेशन, ठीक है, इस नाते अभी इसको अप्रूवल नहीं मिला है, इसको अप्रूवल नहीं मिला, अप्रूवल बाद में मिला या नहीं मिला उसकी बात नहीं जानते, ठीक है, तो इस नाते हमारा क्या होगा, नहीं होगा। दूसरा, क्योंकि जब ऐसा डिजीज होता है, ठीक है, जब ऐसा डिजीज होता है तो जैसे भी कोरोना में आप लोगों ने देखा होगा कोरोना में कि रुको स्पीड थोड़ा सा दिक्कत आ रही है स्पीड की, एक मिनट, ठीक है, देखो अब क्या हुआ, जैसे कोरोना में हम लोग क्या करते थे, पूरा जो डॉक्टर है उनको एक शील्ड दिया जाता था, पूरा हमारा पीपी किट पहनते थे ऊपर से सब कुछ, उसी तरह यहाँ पे जब उसकी बच्चा हुआ उसको एडीए की कमी है, एडीए की कमी है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग पूरा एक मास्क लगाते हैं बॉडी से, क्योंकि इम्यून सिस्टम कमी है, बॉडी बाहर आएंगी तो बैक्टीरिया है, वायरस है, लाखों चीजें ऐसी हैं जो इसको डिजीज कॉज कर सकते हैं, तो उसको पूरा कवर्ड करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग, उस बच्चे को, छोटे बच्चे को नाम दिया गया, ऐसे बच्चों को बोलते हैं हम लोग बबल्स बेबी, बबल्स बेबी यानी यहाँ क्या होता है शील्ड होती है पूरी, तो बबल्स लाइक दिखता है, तो हम लोग देखते हैं एडीए स्किड, एडीए स्किड की बात करें, एडीए स्किड बेबी आर नोन एज बबल्स बेबीज, क्या बोलते हैं उसे हम लोग बबल्स बेबीज बोलते हैं हम लोग, बेबी आर आल्सो नोन एज बबल्स बेबीज बोला जाता है एडीए स्किड डिजीज जब होता है, ठीक है। देखो अब इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, ये ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, एक मिनट ना हम लोग जीन थेरेपी आज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है,
कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। रुकना बेटा, थोड़ा सा स्लो आ रहा है, स्पीड क्यों पता नहीं। चल ठीक है, वो अपने आप से हो जाएगा। देखो अब इसका हम लोग ट्रीटमेंट करना है, क्या करना है हमको, ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हमको यदि डिजीज हुई है किसको, तो कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज फॉर एडीए स्किड, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज फॉर एडीए स्किड। एक मिनट बेटा रुकना, स्पीड शुरू आ रहा है, जो लिख रहे हैं बहुत धीरे धीरे लिखा है। चल ठीक है, देखते हैं फिर आगे। ए ट्रीटमेंट मॉडलिटी फॉर एडीए स्किड डिजीज। ठीक है, अब पहला जो फर्स्ट आता है इसमें हमारा, ठीक है, जो फर्स्ट हमारा उसको बोल कैसे किया गया हमारा एंजाइम, जो को हम चेक कर रहे हैं, देखें अभी स्पीड सही आ रहा है कि नहीं। चलो पहला हमारा है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है जिसको बोलते हैं हम लोग ERT। इसको बोला गया हम लोग ERT। ठीक है, अब क्या कर रहे थे कि यहाँ पे जो ADA का एंजाइम गिवन कर दे रहे थे किसमें, कि हम लोग ADA का एंजाइम बना लिए बाहर, आर्टिफिशियल तरीके से बना लिए ट्रीटमेंट करने के लिए। अब इसको क्या करेंगे, किसके अंदर डाल देंगे, इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, वेनस के थ्रू डालते चले जाएंगे तो एंजाइम पहुंच जाएगा, ब्लड बनी रहेगा पे बोन मैरो, तो बोन मैरो में पहुंच जाएगा। बट हम लोग यदि वेन में ज्यादा इंजेक्शन लगा रहे हैं, ज्यादा हैवी, तो हमारा वेनस जो होती है हमारी डैमेज होने की चांसेस ज्यादा बढ़ जा रहे हैं, तो ये हमारा नॉट क्यूरेटिबल थेरेपी। पहला ट्रीटमेंट यहीं से स्टार्ट किया तो बट देखा गया कि ये नॉट क्यूरेटिबल है हमारा। ठीक है, तो लिख लेते हैं हमारा क्या इसमें लिख बताया गया कि फंक्शन एडीए एंजाइम गिवन इंट्रा वेनस इंजेक्शन, दिस इज नॉट क्यूरेटिव, नॉट क्यूरेटिबल। ठीक है, नॉट क्यूरेटिबल ए एंजाइम हमारा जो पहली थियरी है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थियरी है, क्या थी, नॉट क्यूरेटिबल थी। ठीक है, सेकेंड हमारा जो सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड क्या दिया गया हमारा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर ले। ठीक है, क्या करें हम लोग, बोन मैरो एनसीईआरटी में ही दिया गया, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, या फिर उसे बोलते हैं होमियोपोएटिक, जानते हैं कि ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं होमियोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, या फिर होमियोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर दें तो काम चल जाएगा। बट ये भी कैसा था, नॉट क्यूरेटिव था हमारा, नॉट क्यूरेटिव। नॉट क्यूरेटिव क्योंकि हमको बार बार बोन मैरो को निकालना और बार बार अंदर डालना, ये हमारे लिए क्या था, रिस्की भरा काम था। ठीक है, तो ये भी हमारा नॉट क्यूरेटिबल है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चलेगी। ठीक है, चलो अब देखो। ठीक है, अब थर्ड आया जिसको बोलते हैं हम लोग, थर्ड जो आया उसको बोलते हैं हम लोग क्या होगा,
अपने आप सारी चीजें चल रही हैं। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी। थर्ड आया कौन सा हमारा, जीन थेरेपी करना है। थर्ड क्या आया हमारा, जीन थेरेपी करना है, कि जीन थेरेपी करके हम लोग कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो जीन थेरेपी से हमको काम करना है हमारा। ठीक है, हम लोगों ने बात कर रहा था बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग और इंसुलिन की बात कर रहे थे हम लोग। पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन बात किया था, जिसमें इंसुलिन को देखा गया कैसे बनाया गया था। हमारा फर्स्ट था ईलीली कंपनी था, जिन्होंने बनाया था हमारा ईलीली कंपनी, ह्यूमिलिन बनाया था हमारा। ठीक, और हम देखे थे कैसे कैसे ह्यूमिलिन बनाया गया था। फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हमारा ह्यूमेलॉग बनाया गया, ईलीली कंपनी एंड रैनवैक्सी। तो ह्यूमिलिन और ह्यूमेलॉग में डिफरेंस क्या था, बस मोड ऑफ एक्शन, जो टाइम ऑफ रिएक्शन था उसका, उसका फास्ट था हमारा किसका, ह्यूमेलॉग इन द रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमेलिन। ठीक है, तो लिखा क्या है कि ह्यूमेलॉग एनालॉगस टू इंसुलिन। ठीक है, ये लिखा क्या था हमारा। उसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़ा था, जीन थेरेपी की बात कर रहे थे। जीन थेरेपी हमारा एडीए था, हमारा एडीए स्किड डिजीज था, एडनोसिन डी एमिनेज था हमारा, स्किड सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, 4 ईयर्स गर्ल्स को हुआ था। उसके लिए जी थेरेपी आसानी डिसिल्वा विलियम्स फ्रेंच एंडरसन थे हमारे साइंटिस्ट थे हमारे। ठीक है, उन्होंने इसका ट्रीटमेंट किया था जीन थेरेपी का। उन्होंने क्या किया था, जीन थेरेपी जो हमारा डी ऑक्सी एमिनोज था हमारा, वो बनाता था टॉक्सिक सबस्टेंस यदि एडीए हमारा एंजाइम बॉडी में नहीं बनता है। तो उन्होंने बताया कि हम बोन ट्रांसप्लांट कर दें तो ऐसा काम हो जाएगा, बट बोन ट्रांसप्लांट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जीन थेरेपी में हमारा दो चीज गए थे वहां पे, सोमैटिक सेल है हमारा जो इनहेरिटिव सेल, जर्म सेल है। तो सोमैटिक सेल हमारा इनहेरिटेबल नहीं होता है, जिसके कारण हम उस डिजीज को ट्रीट तो कर सकते हैं, बट वो आगे यदि मान लीजिए उसके बच्चों में हो जा रहा तो फिर वहां पे भी ट्रीट करना पड़ेगा बार बार हमको। ठीक है, इस नाते वहां पे रोका गया उसको। फिर हमारा जर्म प्लाज थियरी में हमारे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, म्यूटेशन हो सकता है। तो हम लोग जर्म प्लाज जैसे स्पोर, स्पोर मतलब हमारा स्पर्म एंड ओवम में करना, तो वहां भी नहीं कर सकते। कुछ और भी ट्रीटमेंट वहाँ पड़े थे, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इंट्रावेनस इंजेक्शन की बात किए थे। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन में हमारा क्यूरेटेबल नहीं है। जब जब हम वेनस में इंजेक्शन करेंगे, मान लीजिए हम एडीए जीन बना लिए किसी भी तरीके से लैब में बना लिए, फिर उसको हम लोग लोड करें इंजेक्शन में और वेनस में डालते गए, तो वेनस हमारे डैमेज हो सकते हैं बार बार। ठीक है, दूसरा, ठीक है, हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन रिस्की चीज है, तो वो भी नॉट क्यूरेटेबल था। नेक्स्ट हमारा आया जीन थेरेपी की बात करते हैं, कि जीन थेरेपी कैसे करेंगे हम लोग, कैसे क्या क्या करेंगे हम लोग। जीन थेरेपी हम लोग बात करते थे, ठीक है, अब देखो जीन थेरेपी की बात करेंगे कि हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ह्यूमन सेल लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल ह्यूमन सेल लेंगे। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं हम लोग। होप सो सबको लेक्चर और ये सब चीजें मिल गई होंगी, पीडीएफ और लेक्चर सबको प्रोवाइड कर दिए गए होंगे। ठीक है, आज तो मैंने देखा हाँ प्रोवाइड कर दिए गए थे, सारे के सारे लेक्चर हैं पीडीएफ में मिल गए लोग। अब जो भी होगा उसको दे दिया जाएगा, जैसे प्रिपेयर हो जाएगा आपको सेंड कर दिया जाएगा, जितना फास्ट हो सके आपको डिलीवर कर दिया जाएगा वो सब चीजें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग ले लिए कोई सा नॉर्मल ह्यूमन सेल। अब जीन थेरेपी करना है, कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन सेल लिए जिसके पास, ठीक है, जिसके पास क्या था हमारा नॉर्मल ह्यूमन सेल, इसके पास है हमारा एडीए जीन। एडीए जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा इसके पास। तो यहाँ से नॉर्मल ह्यूमन सेल से हम क्या किए, एडीए डीएनए, हमारा एडीए जीन जो मिल रहा था उसको हम कर क्या किए, एक्सट्रैक्ट कर लिए एडीए जीन। एडीए जीन यहाँ से निकाल लिए। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिए हम, किसमें, लिम्फोसाइट सेल। लिम्फोसाइट सेल यानी हमारा बोन मैरो में ही हमारा काम हो रहा था, तो ले लिए हम लोग लिम्फोसाइट फ्रॉम पेशेंट। पेशेंट का लिम्फोसाइट ले लिए जहां पे एडीए जीन नहीं बन पा रहा था। ठीक है, उससे ले लिए हम लोग एडीए जीन। चलो एडीए जीन, उसके पहले हम लोग यहाँ पे एक वेक्टर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग, वेक्टर। यहाँ पे जो वेक्टर लेंगे वो होगा हमारा रेट्रो वायरस, क्योंकि हम किस में डालना है, ह्यूमंस में। ठीक है, ह्यूमंस में हमारा वेक्टर क्या था, या तो राइनो वायरस या फिर रेट्रो वायरस जो कैंसर कॉज कर सके। तो किसके पास क्या होता है, मल्टीपल डिवीजन करने की क्षमता होती है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेक्टर लेंगे कौन सा लेंगे हम लोग, रेट्रो वायरस वेक्टर ले लिए हम लोग, रेट्रो वायरस। इसके साथ लोड करेंगे हम लोग, देखो कुछ हमारा वायरस की, रेट्रो वायरस की हमारी डायग्राम बना लेते हैं हमारा। चलो इसका जीन है, इसके ऊपर इस तरह करके हमारा
ये कवरिंग होगी आपको वायरस जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे डायग्राम ये बताया जाएगा आपको। ये डायग्राम कुछ इस तरह करके हो गया हमारा रेट्रो वायरस का डायग्राम, ठीक है। चलो अब देखो मेन हमको क्या करना है वहाँ पे, ये जो है हमारा ठीक है पॉइंट ब्रेक है, इसे बोलते हैं हम लोग रिवर्स ट्रांस क्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांस क्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांस क्रिप्टेज है हमारा। और ये हमारा है जिसको बोलते हैं हम लोग जी जेनेटिक मटेरियल इसका, ठीक है। किसका हमारा वायरस का जेनेटिक मटेरियल। अब देखना इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इसको क्या पता है कि हमको क्या करना है, कैंसर कॉज करना है बॉडी में, यानी अनकंट्रोल डिवीजन करना है। क्या करना हमारा अनकंट्रोल डिवीजन है हमारा। देखो पहले हम एडीएस जीन हमारा डबल स्टैंडर्ड है, इसको क्या करेंगे हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में करेंगे, यानी हम लोग इसका क्या करेंगे ट्रांसक्रिप्शन करा दें एडीएस जीन का। तो एक इसमें बदल गया हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसको बोलेंगे हम लोग एमआरएनए। आप लोग को पूरी तरीके से पता होगा कि एमआरएनए क्या होता है और ये कौन सा हो गया हमारा एडीए जीन का है, इसके पास से हमारा कौन सा प्रोटीन बना सकता है हमारा एडीए जीन बना सकता है, ठीक है नॉर्मल सेल से लिए, ठीक है। और यहाँ से क्या है कि ये जो हमारा वायरस से है, वायरस का हम लोग जेनेटिक मटेरियल निकाल लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल था। अब इसके पास दो चीजें होंगी, ठीक है, एक काम करेगा कौन सा पैकेजिंग का, मतलब यानी डिवीजन का, दूसरा जो हमारा इन्फेक्शन कॉज कर रहा है यानी कैंसर कॉज कर रहा है उसका भी इसके पास चीजें होंगी, इन्फॉर्मेशन होंगी। तो मान लेते हैं ये हमारा इसका कौन सा है वायरल जीन है, वायरल जीन, और ये हमारा है पैकिंग जीन जो हमारा डिवीजन करता है सिर्फ ओनली पैकिंग जीन वेक्टर। तो हम क्या करेंगे इस वायरल जीन को क्या करेंगे हम लोग रिमूव कर देंगे, हमको जरूरत नहीं है रिमूव कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम किसी में डालेंगे तो वहां पे कैंसर कॉज होना जिसको होना भी नहीं चाहिए था वहां भी कैंसर कॉज होना शुरू कर गया, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे वायरल जीन को कट करके यहाँ से हटा देंगे और क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ पे पैकिंग जीन ले लेंगे, कौन सा ले लेंगे हम लोग पैकिंग जीन ले लिए, ठीक है। मान लो ये पैकिंग जीन ले लिए और यहाँ पे एमआरएनए है, दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, किससे करेंगे हम लोग डीएनए लाइगेज से, ठीक है, किससे करेंगे हमारा डीएनए लाइगेज से ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे दो दो पेन ले लेते हैं, ए हो गया हमारा एमआरएनए और ए हो गया हमारा कौन सा पैकिंग डीएनए, ठीक है। अब ए मिल गया हमारे पास, ठीक है, ये हमारा प्लाज्मिड के साथ वेक्टर के साथ अटैच हो गया। अब वेक्टर के साथ अटैच होने के बाद हम लोग होस्ट सेल में डालना है, ठीक है, किसमें डालना है हमको होस्ट सेल में, यानी मान लेते हैं यहाँ पे ये कौन सा हमारा होस्ट सेल है, होस्ट सेल किसका है हमारा लिम्फोसाइट ऑफ पेशेंट सेल जो ऊपर लिए थे हमारा, ये कौन सा हमारा लिम्फोसाइट ऑफ पेशेंट, लिम्फोसाइट ऑफ पेशेंट का है, ठीक है। अब चलो इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं हम लोग लिम्फोसाइट ऑफ पेशेंट, ये हमारा उसका डीएनए और ये हो गया हमारा पैकिंग, ठीक है। अब इसके अंदर एक और ऐड करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो इसको हमारा डीएनए बनाने में हेल्प करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। यदि इसको ऐड कर लिए तो अब देखो इस अब प्रोसेस कौन सा होगा हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा हमारा, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा तो बनेगा हमारा कौन सा सी डीएनए, सी डीएनए ने कंप्लीमेंट्री डीएनए बनेगा इसका, डबल स्टैंड दो स्टैंड बनेगा हमारा, ठीक है। और जब डबल स्टैंड बनेगा तो लिख लेते हैं हमारा क्या बन गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनने के बाद इसको हम क्या करेंगे होस्ट सेल से निकाल के, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे उसके न्यूक्लियस में ऐड कर देंगे, ठीक है, किसमें हमारा कब हमारा प्रोफेज कंडीशन में, कहाँ पे उसके न्यूक्लियस में डाल देंगे, जब सेल डिवीजन होने वाला होता है हमारा प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टीलोफेज, उसी के अंदर हम क्या करेंगे इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा डीएनए क्या हो जाएगा हमारा एडीए जीन का ट्रीटमेंट हो जाएगा। देखो एक बार और समझते हैं हम इसको बेटा, आ जाओ कि पहले हम लोग नॉर्मल सेल लिए, नॉर्मल सेल ऐसा सेल जो क्या कर रहा है एडीए जीन इसके पास है, वहां से नॉर्मल ह्यूमन सेल है, नॉर्मल ह्यूमन सेल है वहां से एडीए जीन को निकाल लिए, एडीए जीन को ट्रांसक्रिप्ट करके हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड बना लिया, डबल स्टैंड नहीं रखना हमको, ध्यान रखना कैसे सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिए, जिसको बोलते हैं एमआरएनए। आप लोग जानते हो कि एमआरएनए कैसे बनते हैं, स्प्लाइसिंग हुआ होगा, एक्सॉन इंट्रॉन ये सब चीजें हुई होंगी।
अब दूसरा हमारा किसमें करना है, लिम्फोसाइट और पेशेंट सेल में हमको इसको डालना है, होस्ट सेल है ये, कैसा हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं, कैसा हमारा होस्ट सेल की तरह यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर हमारा कौन सा यूज करेंगे, हर जगह वेक्टर हम लोग दूसरे लेते हैं, इको आर हिंड टू ऐसा, यहाँ पे हमारा एनिमल सेल में डालना है, तो वेक्टर रेट्रो वायरस लिए हम लोग। रेट्रो वायरस के पास खुद का रिप्लिकेशन का भी एंजाइम है और खुद का वायरल जीन है, तो वायरल जीन वाले पार्ट को अलग कर देंगे, सिर्फ हमको जिसकी जरूरत है पैकेजिंग जीन की उसको ले लेंगे, और डीएनए लाइगेज से इसको क्या करेंगे अटैच कर देंगे। डीएनए लाइगेज से अटैच करने के बाद फिर क्या करेंगे, होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर देंगे, वहां पर डिवीजन होगा, डबल स्ट्रैंडेड बनेगा, फिर वो कहाँ पहुंच जाएगा हमारा न्यूक्लियस में पहुंच जाएगा, कब कंडीशन में प्रोफेज, जब सेल डिवीजन करना स्टार्ट करता है, ग्रोइंग स्टेज होता है हमारा, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टेलोफेज, उसे समय न्यूक्लियस में पहुंच जाएगा। जब पहुंच गया तो अब क्या करेगा, उस आदमी में जिसमें एडीए की कमी थी और एडीए जीन पहुंच चुका, वहां पे एडीए बनेगा, एडिनोसिन डीएमिनेज बनेगा, जिसे डीऑक्सी डीऑक्सी एडिनोसिन एमिनेज जो था वो नहीं बनने पाएगा, टॉक्सिक सबस्टेन नहीं बनने पाएगा और हमारा एडीए बन जाएगा। इस तरह हम लोग जीन थेरेपी कर सकते हैं। चलो ठीक है, हमारा वही किया, लिम्फोसाइट टेकन आउट द पेशेंट ब्लड एंड कल्चर द आउटसाइड मीडियम इंट्रोड्यूस एडीए यूजिंग रेट्रोवायरस, ये सब जन समझ गए। अब देखो इसका लिमिटेशन क्या क्या है, ठीक है, इसके बाद आता है हमारा लिमिटेशन क्या क्या है हमारा। अब देखो इसके लिम्फोसाइट में डालने हम लोग, ठीक है, इसे पेशेंट के लिम्फोसाइट में डालने, ठीक है, देखना ध्यान देना भी आएगा कि लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, लिमिटेशन की बात कर रहे हैं हमारा। लिमिटेशन हमारा क्या होगा कि लिम्फोसाइट जो है हमारा एक पीरियड के बाद हमारा क्या होता है, डेथ हो जाती है, मोर्टल हमारा लिम्फोसाइट क्या होता है, मोर्टल से, यदि हम किसी लिम्फोसाइट में डाले, ठीक है, चलो क्योरेबल था और सही अच्छे से करते भी थे, कोई बात नहीं था हमारा, इस तरह हम लोग कर सकते थे, ठीक है, बट क्योरेटिबल नहीं था हमारा, जीन थेरेपी उतना क्योरेटिबल नहीं था, क्योंकि लिम्फोसाइट जो है हमारा वो हम जानते हैं डब्ल्यूबीसी आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट सबकी क्या होती है, एक लाइफ टाइम होती है हमारी, उसके बाद वो हमारा खत्म, मोर्टल सेल होते हैं हमारे, इमोर्टल नहीं होता हमारे। लिम्फोसाइट क्या होता है, कुछ दिन बाद ये डेथ हो जाती थी इसके, ठीक है, इस नाते हमारा क्या है, ये हमारा प्योर तरीके से क्योरेटिबल नहीं है, लेकिन हमारा तो भी काम चल जाता था। तो लिख लेते हैं पॉइंट में लिमिटेशन क्या था हमारा, कि लिम्फोसाइट आर मोर्टल सेल, लिम्फोसाइट क्या है हमारा, मोर्टल सेल, हेंस पीरियोडिक इनफ्यूजन, इनफ्यूजन ऑफ पीरियोडिक इनफ्यूजन ऑफ ऑफ इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट रिक्वायर्ड, ठीक है, लिम्फोसाइट आर मोर्टल सेल, क्या होते हैं हमारे, मोर्टल सेल होते हैं, हेंस पीरियोडिक इनफ्यूजन ऑफ इंजीनियर लिम्फोसाइट रिक्वायर्ड, बस इतना याद रखना, इमोर्टल नहीं होता यदि हम किसी लिम्फोसाइट में डालें, और तो सही कर रहा है हमारा काम कर रहा है, बट कुछ दिन बाद क्या होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो हमारा जो जीन था मिला था उसकी भी क्या हो जाएगी, हमारी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे छोटा, कि जीन थेरेपी हमको कैसे, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पूछा जाएगा दो तीन चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, कि डिजायर्ड जीन कौन सा था हमारा, डिजायर्ड जीन कौन सा था, इंसर्ट जीन कौन सा था हमारा, इंसर्शन जीन कौन सा था, क्या इंसर्ट किए हम लोग, ठीक है, वेक्टर कौन सा यूज कर सकते हैं हम लोग, और होस्ट सेल कौन सा है, ठीक है, ये चीजें हमको पूछा जाएगा। डिजायर्ड जीन कौन सा था हमारा, लिख लेते हैं यहाँ पे, यदि हम बात करते हैं डिजायर्ड जीन का कौन सा था हमारा, ए डी ए जीन, ह्यूमन सेल से लिए नॉर्मल सेल से डिजायर्ड जीन को कट किए थे एमआरएनए को। इंसर्शन किसका हम कर रहे हैं, इंसर्ट हम किसका कर रहे हैं हम लोग, सी डी एन ए का, ए डी ए सी डी एन ए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंसर्शन करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या करे डिवीजन कर सके, डबल स्टैंडर्ड बना सके। वेक्टर कौन सा लिए हम लोग, रेट्रो वायरस लिया गया, कौन सा लिया गया, रेट्रो वायरस, और होस्ट सेल क्या है हमारा, पेशेंट लिम्फो साइट, पेशेंट लिम्फोसाइट ही क्या उसका होस्ट सेल होता है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा जीन थेरेपी के बारे में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पूछा जाता है कि हम परमानेंट क्यूरेटिबल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है,
कि यदि हमको परमानेंट क्यूरेटिव, इससे तो हमारा हो सकता है, काम हो सकता है, उसका ट्रीट कर दिए और काम हो गया, हमारा बच्चा बच गया, ठीक है। अब आता है हमारा परमानेंट क्यूरेटिबल कैसे कर सकते हैं। परमानेंट क्योर फॉर एडीए स्किड, ठीक है, परमानेंट क्योर फॉर एडीए स्किड कैसे कर सकते हैं हम लोग, परमानेंट क्यूरेटिबल फॉर एडीए स्किड डिजीज की, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें, करना कुछ नहीं है कि जो हमारा बोन मैरो सेल था, ठीक है, प्रोड्यूसिंग एडीए कर रहा था, अब हम क्या करेंगे, जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा, हमको पता चल गया यदि इसके पास इसके एडीए की कमी है, तो जब उसका स्टेज एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी जब सेल डिवीजन कर रहा होगा, हमारा स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइज किए होंगे, बताया था जायगोट, जायगोट हमारा डिवीजन क्लीवेज करता है, मोरूला ब्लास्टुला ग्लैंडुला, ठीक है। तो जब हमारा एम्ब्रियोनिक कंडीशन यानी 16 सेल स्टेज में रहेगा, तभी हम इसका ट्रीटमेंट कर दें, तो ये परमानेंट क्यूरेटेबल हो जाता है, ठीक है। कब करेंगे हम लोग कि इट जीन, ये जीन को बना लेंगे लैब में और उसमें डाल देंगे, इट जीन फ्रॉम बोन मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीए आर इंट्रोड्यूस इनटू सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब कौन सा स्टेज होगा हमारा, 16 सेल स्टेज, इसी समय जब रहेगा तभी हम यदि इंट्रोड्यूस करते हैं एडीए जीन को, तो क्या हो जाएगा, वो ट्रीटमेंट परमानेंट क्योरेटिबल होता है हमारा, ठीक है, परमानेंट क्योर पर एडीए स्किड डिजीज, ठीक है। चलो अब इसका एक ट्रिक है हमारे पास, ठीक है, ट्रिक याद कर लेते हैं कि कैसे आपको जीन थेरेपी पूछेगा डायरेक्ट आपको जेएनसीईआरटी में, ट्रिक फॉर एडीए स्किड, ठीक है, ट्रिक फॉर एडीए स्किड, ठीक है। चलो हमारा है एल ए आर लार्जेस्ट, ठीक है, हम क्या लिख लिए, लार्जेस्ट लिख लिए, जिससे हमारा ट्रिक है स्किड का, ठीक है। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, एडीए स्किड का ट्रीटमेंट जीन थेरेपी वाला, जीन थेरेपी वाला रखना, दो तीन हमारे जो बोन मैरो है और भी है इंट्रावेनस, उसको बोल जाओ, जीन थेरेपी में क्या लेंगे हम लोग, लिए क्या था हमारा लिम्फोसाइट्स, हमारा ए से हो गया लिम्फोसाइट, डिजायर जीन कौन सा था हमारा एडीए सी डी एन ए, एडीए सी डी एन ए, आर कौन सा हमारा वेक्टर कौन सा था हमारा, रेट्रो वायरस, सॉरी, ठीक है, लिम्फोसाइट एडीए सी डी एन ए रेट्रो वायरस एंड जेस्ट की बात करते हैं तो कौन सा था हमारा जीन थेरेपी, किसके लिए हम लोग जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट लिए थे पेशेंट का, रेट्रो वायरस एडी सी डी एन ए लिए थे और जीन थेरेपी, ठीक है। तो ये हमारा ठीक है एडीए स्किड जीन का, आपको करना क्या है तो जीन थेरेपी रेट्रो वायरस से करते हैं हम लोग, एडीए स्किड सी डी एन ए और लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए जीन थेरेपी, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन पढ़ लिए थे, जीन थेरेपी पढ़ लिए, अब उसके बाद आएगा नेक्स्ट टर्म, तो हमारा हेडिंग था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। अब देखो होता क्या है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, नाम से ही आप लोग जानते हैं मोनोक्लोनल यानी एक ही क्लोन करना है एंटीबॉडीज का, एक से ज्यादा क्लोन हो गया तो हमारे लिए दिक्कत खड़ा हो सकता है, ऐसा कुछ हमारा हेडिंग से लग रहा है, क्या लग रहा है उसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। क्या लग रहा है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाना है, यानी हमारा सिर्फ एक ही क्लोन करना है एंटीबॉडीज का, ठीक है। अब ये क्या होता है हमारा, यानी एक ही क्लोन करना, यानी जो हमारा एंटीजन है उसी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनानी है, एक ही हमारा, ठीक है। तो लिख लेते हैं, पहले एक लाइन में लिख लेते हैं हम लोग कि हाईली स्पेसिफिक अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पर्टिकुलर एंटीजन, क्या ओनली वन काइंड ऑफ एंटी
बॉडीज, ठीक है, ओनली वन काइंड ऑफ, एक ही तरह का एंटीबॉडीज बनाना है, हाईली स्पेसिफिक अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीजन, ओनली वन काइंड ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। अब इसके साइंटिस्ट कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग, इन्वेंटेड कौन से किए थे, कौन साइंटिस्ट थे, इन्वेंटेड बाई, ठीक है, कोलर, इन्वेंटेड बाई कोलर एंड मिलिस्टिन, किसने किया था, कोलर एंड मिलिस्टिन ने किया था इन 1975 में, ठीक है, और उसको बोलते हैं आल्सो नोन एज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ठीक है, अब अभी पढ़ेंगे क्या होता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, और इनको 1975 में डिस्कवरी किए और 1984 में इनको क्या मिला, नोबल प्राइज मिल गया, इनको क्या मिला 1984 में गॉट द नोबल प्राइज, किसके लिए, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, देखो नाम ही क्या है हमारा, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये हमारा नाम है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, तो उसी की बात करेंगे हम लोग। देखो अब करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना हमारा हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में, ठीक है, करना क्या है आपको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में, हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब दो चीजों का मिक्स करना है और हमको एंटीबॉडीज बनाना है, जो साइंटिस्ट थे कोलर एंड मिलिस्टिन ने, इन्हीं ने डिस्कवरी किया था हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का, ठीक है। चलो अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ टेक्नोलॉजी में, ठीक है, इन्होंने क्या लिया, एक ही बेचारा जानवर है माइस, ठीक है, माइस को क्या किया, इसके अंदर डाल दिया एंटीजन, क्या डाला हमारा, एंटीजन डाल दिया, जैसे ही माइस के अंदर एंटीजन डालेंगे तो इसका जो स्प्लीन है, बी लिम्फोसाइट है, क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, किसके खिलाफ, हमारा एंटीजन के खिलाफ, माइस को एंटीजन डालेंगे तो माइस के बॉडी में क्या होगा, रिएक्शन होगा, रिएक्शन टर्न करेगा लिम्फोसाइट करेगा, जब लिम्फोसाइट रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, एंटीबॉडी इसके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ, अब उस एंटीबॉडीज को वहां से आइसोलेट कर दिया गया, क्या कर लिया गया, हमको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बनाना है, एंटीबॉडीज बनाना है, ठीक है, वहां से हम एंटीबॉडीज को आइसोलेट कर दिए, ठीक है, और एक सेल लिए जिसको बोलते हैं माइलोमा सेल, हाइब्रिडोमा इसी से हमारा है माइलोमा सेल, माइलोमा सेल क्या होता है, जो कैंसर कॉज करता है, जो सेल कैंसर होता है उसे बोलते हैं माइलोमा सेल, कैंसरस सेल इज नोन एज माइलोमा सेल, उसको ले लिए। अब यहाँ पे हमारा एंटीबॉडीज लिए थे किसे, माइस से, और दूसरा हम किसे ले लिए, हम लोग माइलोमा सेल, दोनों को आपस में अटैच कर दिए, फ्यूज कर दिए और उनको कल्चर मीडियम में रख दिए, जब कल्चर दोनों को फ्यूज करने को ही बोलते हैं हाइब्रिडोमा बोलते हैं, ठीक है। अब उसको देखना, पर यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि माइस में एंटीजन डाले तो क्या हुआ हमारा, कि स्प्लीन बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, ठीक है, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, आइसोलेटेड, जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा आइसोलेटेड एंटीबॉडीज, ठीक है, और दूसरा हम लोग क्या किए यहाँ पे, हम लोग ले लिए कौन सा, माइलोमा सेल, ठीक है, कौन सा ले लिए हम लोग, माइलोमा सेल ले रहे हैं हम लोग, माइलोमा सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं हम लोग, कैंसरस सेल, कैंसरस सेल डिवीजन करने वाला। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में फ्यूज कर देंगे, क्या किए हम लोग, इन दोनों को आपस में क्या किए हम लोग, फ्यूजन कर दिए, क्या किए हम लोग, फ्यूज कर दिए और इनको कल्चर मीडियम में रख दिए, ठीक है, विदाउट कल्चर मीडियम रखेंगे तो ग्रो नहीं करेंगे, कल्चर मीडियम में रख दिए। अब देखो यहाँ पे जो बना, अब दूसरे कलर से बना लेने, क्योंकि हाइब्रिड हो गया ये, अब इसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिडोमा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिडोमा, इसी को बोलते थे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसके पास हाइब्रिडोमा के पास क्या है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल, ठीक है, इसके पास क्या है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग, और दूसरा रैपिड डिवीजन इसके पास है, दो चीजें इसके पास हैं, क्या क्या, हम दोनों को लिख लेते हैं हम लोग, रुको एक मिनट बेटा, ठीक है, इसके पास दो चीजें हैं, ठीक है, पहला क्या है हमारा, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग ट्रेड है इसके पास, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग
ट्रेट, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं बस, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग ट्रेट ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। दूसरा क्या है इसके पास हमारा, दूसरा रैपिड डिवीजन ट्रेट है, रैपिड डिवीजन ट्रेट, रैपिड डिवीजन ट्रेट ऑफ माइलोमा, ठीक है, माइलोमा सेल इसके पास। चलो अब इन दोनों, ये दोनों इसके पास करेक्टर किसके पास, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसको ग्रो कराएंगे हम लोग, ठीक है, किसमें वाला, कल्चर मीडियम में डालेंगे। कौन सा कल्चर मीडियम है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग, कल्चर मीडियम जिसको बोलते हैं हैट, कल्चर HAT हैट मीडियम में डालें, ठीक है। अब क्यों हैट मीडियम में डालते हैं हम लोग, ठीक है, कल्चर एट हैट, मतलब पूरा पूरा यहाँ से लिख लो, चलो कल्चर मीडियम एंड हैट मीडियम। अब हैट क्या होता है, ठीक है, अब देखो अभी हैट का बताते हैं, ठीक है। जैसे ही हैट मीडियम में डालें, अब जिसके अंदर, ठीक है, इसको क्यों कल्चर करते हैं, देखो हैट मीडियम इस नाते डालते हैं, यदि नॉन हाइब्रिड वाला सेल होगा, ठीक है, हाइब्रिडोमा हम तो बनाए, ठीक है, अब डाल दिए इसको, सारे सारे को हम क्या करेंगे, जितने भी सेल मिले दोनों को अटैच करने के बाद हम डाल देंगे हैट मीडियम में। यदि हैट मीडियम में डालते हैं तो जो हाइब्रिड सेल नहीं है वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, डाई हो जाएंगे, ठीक है। तो माइलोमा, यहां लिख लेते हैं, माइलोमा सेल विल डाई, कौन सा डाई हो जाएगा, नॉन हाइब्रिड वाला, ठीक है, डाई हो जाएगा। एंड दूसरा हमारा हेड मीडियम में ही डालेंगे, ठीक है, दूसरा क्या करेगा हमारा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज तैयार करते हुए जो हाइब्रिड वाले होंगे वो क्या करेंगे, क्लोन बनाना शुरू कर देंगे हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का, ठीक है, ये क्या बन गया हमारे, मोनोक्लोन्स बन गए हमारे। अब ये मोनोक्लोन्स क्या करेंगे, हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिए, इसे बोलते हम लोग मोनोक्लोन्स एंटीबॉडीज, ये भी लिख देता हूँ, मोनोक्लोन एंटीबॉडीज बन गए, यानी उस पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ पर्टिकुलर एंटीबॉडीज बन गया, ठीक है, यानी उसके खिलाफ ही उसका एंटीजन एंटीबॉडीज बना, यानी अब उस एंटीजन को हम किल कर सकते हैं। अब तीन चार एंटीबॉडीज बन गए टाइप के, यदि बन जाए तो उस पर्टिकुलर पे कौन एक्ट करेगा, ये हमारी तैयारी में रहेगा, तुम जाओ, तुम भी बने हो, तुम जाओ, और इसके चक्कर में हमको डिजीज हो जाएगी, ठीक है। यदि लड़ाई हुई, एक ही बंदा है तो मार करना शुरू कर देगा, वेट नहीं करेगा, लेकिन चार यदि होंगे तो क्या करेंगे, तुम जाओ दूसरे की डिपेंडेंसी में, तब तक वो आक्रमण करके अपना काम कर देगा। तो इस तरह मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाते हैं कि पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ पर्टिकुलर एंटीबॉडीज बननी चाहिए, इसे बोलते हैं हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब देखो यहाँ पे हैट मीडियम, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, हैट मीडियम क्या होता है, इसका नाम होता है हमारा हाइपोजेंथिन, वैसे पूछा तो नहीं जाता, आप लोगों को बता देते हैं, हाइपोजेंथिन एमिनो पेट्रीन, हाइपोजेंथिन एमिनो पेट्रीन टाइमिडीन, ठीक है, ये इसका नाम होता है पूरा। तीन मीडियम होते हैं, तीन चीजों केमिकल से बनाते हैं जिसको बोलते हैं हेड मीडियम, हाइपोजेंथिन अमीनो पेट्रीन एंड थाइमिडीन, ठीक है। अब देखो इसमें जो अमीनो पेट्रीन है, ठीक है, यदि हम लोग हाइब्रिडोमा सेल बना रहे हैं, यदि उसके साथ कोई टॉक्सिक सबस्टेंस आ गया तो उसको क्या कर देता है हमारा, किल कर देता है, क्या क्या काम करता है हमारा, टॉक्सिक को किल करने का काम करता है, इसलिए इसको हैट मीडियम। दूसरा हैट मीडियम में डाल रहे हैं हमारा माइलोमा सेल डाई कर जाता है, जो नॉन हाइब्रिड सेल है हमारे, एंटीबॉडीज बना देने क्लोनर, और तीसरा जो टॉक्सिक सबस्टेंस आ रहा है उसको भी किल कर दे रहा है, इसी को बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। अभी देखो इसे पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ पर्टिकुलर हमारा एंटीबॉडीज बना लिए, बहुत बड़ी चीज थी, ठीक है, किसी को डिजीज हुआ उसी का उसका एंटीजन देना, एंटीबॉडीज देंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज थी। इस नाते इनको क्या दिया गया, द गॉड नोबल प्राइज दिया गया इनको, ठीक है, क्या मिला इनको, नोबल प्राइज मिला, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक और लिख लेते हैं हम लोग, नोट करके लिख लेते हैं, तो एक मिनट, हाँ नोट करके, कि जो एंटीबॉडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है इसको बोलते हैं ऑल्सो नोन एज मैजिक ब्लड, ठीक है, कभी कल पूछा गया हमारा मोनोक्लोन्स
एंटीबॉडी आर आल्सो नोन एज, क्या बोलते हम लोग, मैजिक बुलेट्स, ठीक, क्या बोलते हम लोग, मैजिक बुलेट्स बोला जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर आल्सो नोन एज मैजिक बुलेट बोला जाता है, ठीक है। अब इसका यूज पूछा जाता है कि यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है, क्या यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। यदि यूज करना है तो यहाँ देखो, हम एंटीजन डाल रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। किसका डायग्नोस कर सकते हैं, डिजीज का, ठीक है। तो फर्स्ट लिख लेते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, डायग्नोस ऑफ डिजीज, ठीक है, इसका कर सकते हैं हम डायग्नोस ऑफ डिजीज। सेकेंड, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ट्रीटमेंट कर सकते हैं डिजीज का। एंड जो ट्रांसप्लांटेशन था, इम्यून रिजेक्शन जिसको बात कर रहे हैं, उसका भी काम कर सकते हैं हम लोग। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ रिजेक्शन ट्रांसप्लांट, ठीक है, यानी इम्यून सप्रेस की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात कर लिए हम लोग, ठीक है। चलो अब इसके बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बाद हम इसकी क्या करेंगे, ट्रिक लिख लेंगे कि क्या ट्रिक हो सकता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बात किया था वहां पे, हम लोग कौन सा जीन थेरेपी की बात किए थे, उसी तरह हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ट्रिक फॉर MAB मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। देखो MA मा आज बहुत लंबा मैच हुआ, ठीक है, बहुत लंबा मैच हुआ, ठीक है। चलो ये हमारा है आज, ठीक है, माँ आज बहुत लंबा मैच हुआ, ठीक है। माँ मीन्स हो गया, यहाँ पे देखो लिखते हैं हम लोग, एक एम ए से हो गया हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। एजे हो गया हमारा, एजे से मीन्स हो गया हमारा एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग, देखो एजे और देखो एजे बहुत लंबा, तीनों को एक साथ मिला लेते हैं, ठीक है, यहां से तीनों को एक साथ, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग, यहां से क्या, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी लिम्फोसाइट, ठीक है, ए हो गया हमारा। एम से हो गया क्या हमारा, किसका यूज किए थे, माइलोमा सेल, और इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिडोमा, क्या बोलेंगे हम लोग, हाइब्रिडोमा, ठीक है। तो आज जो हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में हो गया कि माँ आज बहुत लंबा मैच हुआ, यानी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी लिम्फोसाइट, ठीक है, माइलोमा एंड इसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिडोमा बोलते हैं। चलो ये ट्रिक याद हो गया, हमारा जीन थेरेपी का हो गया एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में हो गया हमारा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे तीन टॉपिक कंप्लीट हो गया मेडिसिन में। पहला टॉपिक था हमारा कौन सा, जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन, सेकंड था जीन थेरेपी, थर्ड था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एंड फोर्थ हमारा वैक्सीन की बात करेंगे, कैसे वैक्सीन लगाते हैं, कैसे वैक्सीन यूज किया जाता है, क्या क्या कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा लिख रहे थे हम लोग कि वैक्सीन की बात कर रहे हैं, ठीक, किसकी बात कर रहा है हमारा, वैक्सीन का, ठीक है। अब यहाँ पे वैक्सीन की बात करेंगे तो बोला जाएगा हमारा फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन के बारे में बात करना है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन की, ठीक है। फर्स्ट हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। देखो क्या होता हमारा, पहले तो जानते हैं कि वैक्सीन क्या होता हमारा, वीकेंड होता है, ठीक है, वही पैथोजन होता है, वो वीकेंड होता है या किल्ड होता है, जिसके अंदर हम लोग डालते हैं उसी के पैथोजन को बना के हम लोग कुछ कमाल करके उसमें डालते हैं हम लोग, ठीक है, कि यदि हमारे यदि वो डिजीज हो तो हमारे बॉडी को पहले से पता हो कि ये चीजें हैं, और तुरंत जैसे डिजीज होगा एक्टिवेट होके उसे क्या करेगा, फाइट कर जाएगा और हमको उसे बचा लेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग वैक्सीन बोला जाता है, ठीक है। यानी हम लोग
फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में हुआ क्या था? देखना बेटा, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में क्या किया हम लोग, होल पैथोजन, बहुत पहले की बात है सब, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में क्या करते थे हम लोग, होल पैथोजन का यूज करते थे, पूरे पैथोजन जितने भी थे सारे सारे पैथोजन का, होल पैथोजन यानी उसके पार्ट, डीएनए या सेल या टिश्यू नहीं यूज करते, पूरे पैथोजन का यूज करते थे, ठीक है। अब जब यूज करते थे या तो लाइव रहता था या तो एट्यूनेटेड होता था, हमारा वीकेंड मान लेते, एट्यूनेटेड में थोड़ा सा मरा हुआ रहता था, काम नहीं करता था, वीकेंड था, ठीक है। पैथोजन पहले में क्या था हमारा, लाइव बट एट्यूनेटेड, या फिर बोलते थे हम लोग वीकेंड पैथोजंस, और किसका यूज करते थे हम लोग, किल्ड पैथोजन। ये फर्स्ट वैक्सीन थी हमारी, ठीक है, हमारा एट्यूनेटेड था या फिर वीकेंड पैथोजन या किल्ड पैथोजन, बट लाइव, लाइव यदि है, यदि जिंदा था तो हमारा कैसा था, वीकेंड या फिर हम लोग किल्ड पैथोजन का यूज करते थे फर्स्ट जनरेशन में, और होल पैथोजन का यूज करते थे वैक्सीन में, ठीक है। हमारा जैसे मान लेते हैं हमारा किसके लिए, हमारा CMI पॉलीफेजिक मोज़ेक वायरस या फिर HMI, आगे पढ़ेंगे हम लोग CMI एंड HMI, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं हमारा कि हम लोग ये चीजें किसमें करते थे। एग्जांपल हमारा OPV, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन, या फिर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में आते हैं, बहुत पुराना डिजीज है हमारा, ओरल पोलियो वैक्सीन एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में हम लोग किसमें आते हैं, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट जनरेशन हमारा होल पैथोजन का यूज किया गया, उसके बाद हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बना लिए, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया, उसके बारे में जानना शुरू हो गया, यानी बायोटेक्नोलॉजी मीन्स कह रहा है किसका, RDT रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज हो गया। अब उसका यूज करके हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया। तो सेकेंड आता है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो सेकेंड जनरेशन किसमें हम क्या किए, यूज किए बाई, किसका यूज करेंगे हम लोग, RDT या फिर जेनेटिक, RDT या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग, वही दोनों होता हमारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर RDT रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज किए, कुछ जोड़े, ठीक है, वहां से कट किए, उसको कट किए, दोनों को आपस में जोड़ के यूज किया गया, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल पूछा था कि सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में क्या था, अब देखो RDT का यूज कर लिए, यानी हम लोग होल पैथोजन का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, कोई भी एक पार्ट, सेल या कुछ भी ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट लेके इसको अटैच कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे बनाया गया DTP, ठीक है, यानी ये इसको बोलते हैं टॉक्साइड, डी मतलब इसका बनाया गया हमारा डिप्थीरिया, टी से हो गया हमारा टिटनस, और पी से हो गया परट्यूसिस, ठीक है। डिजीज के बारे में बताया जाएगा, आपको बताया जाएगा ह्यूमन हेल्थ डिजीज में, डिप्थीरिया टिटनस एंड परट्यूसिस के लिए बनाया गया, और कुछ भी बनाया गया हमारा किसके खिलाफ, हम लोग जो हेपेटाइटिस का था हमारा, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, और एक और वैक्सीन बनाया गया हर्पीज वैक्सीन, हर्पीज वैक्सीन, ये सब हमारा पूछा जाता है हमारा, ये तो इम्पोर्टेंट ही है दोनों, ये पूछा जाता है हमारा किसमें, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन किसके लिए, जिसमें हम लोग RDT का यूज किया गया, ठीक है। डिप्थीरिया टिटनस परट्यूसिस में भी हम लोग RDNA का यूज किए, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन में यूज किए, और हर्पीज वैक्सीन में यूज करके हम लोगों ने इसको ट्रीट किया, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन जिसमें RDT का यूज किए, यानी अब होल ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और पहले में क्या था, हम लोग होल ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता था, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड जनरेशन वैक्सीन के बारे में। अब आता है हमारा थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है, जो इस समय चल रहा है हमारा, ये सेकेंड और थर्ड दोनों चल रहा हमारा थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन की बात किया जा रहा है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन कैसे यूज करेंगे, ठीक है। ये का क्या था, देखो नॉर्मली क्या था हमारा, ये था DNA के बेसिस पे, पूरा हम लोग DNA वैक्सीन पे यूज किया, इसको बोलते हम लोग
डीएनए वैक्सीन, ठीक है, डीएनए वैक्सीन यानी डीएनए में क्या चेंज हो रहे हैं उसके उसी के खिलाफ बना लिया, उसी तरह बना लिया गया डीएनए, और इसको बोलते हैं डीएनए वैक्सीन या फिर सिंथेटिक वैक्सीन, ठीक है, सिंथेटिक वैक्सीन, जो आजकल यही बनाया जाता है कि डीएनए पे ही हम ऐसा वैक्सीन बनाए थे डीएनए पे ही काम करते हैं उसका, डीएनए के खिलाफ डीएनए ही डाल दें उसमें थोड़ा सा चेंजेज कर दिया जाए, तो उसे बोलते हैं हम लोग डीएनए वैक्सीन यानी थर्ड जनरेशन वैक्सीन बोला गया। हमारे पास तीन जनरेशन की वैक्सीन हो गई, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। चलो ठीक है, तो डीएनए वैक्सीन जैसे भी कोरोना पे उसका डीएनए चेंज होता जा रहा है, म्यूटेशन करते जा रहा है, तो उसी के खिलाफ बना दिया जाए कि डीएनए के बेस पर डीएनए का ही वैक्सीन बनाकर उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा थोड़ा सा ये वेल डेवलप है, सेकेंड जनरेशन का ही आरटीटी का यूज करेंगे, बट थोड़ा सा डेवलप्ड है, इसको और बना दिए प्रोसेस तरीके से जो जल्दी फास्ट है काम कर दे हमारा डीएनए, ठीक है, कि जो चेंज कर रहा था उसी को हम रोक देंगे डीएनए पे, क्योंकि यदि हमारा कोई गया तो जीन को हमारा कोड कर देगा वायरस वायरस, जिससे क्या होगा हमारा हमारा क्या होंगे डिजीज होना शुरू, जैसे हमारे लिम्फोसाइट्स तो जानते हो डिजीज में पड़ेंगे थोड़ा और बहुत, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आता हमारा जो 12 थेरापेटिक्स थे उनके नाम आते हैं, पूछे आते हैं उनके कौन कौन से नाम थे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा 12 थेरापेटिक्स के बारे में लिख लेते हैं हम लोग, 12 थेरापेटिक्स इन कौन सा, सिर्फ इंडियन वाला जानना जरूरी है, इंडियन मार्केट में कौन कौन से 12 थेरापेटिक्स हैं हमारे जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके बनाए गए हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग G2H4I2, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इज बेस्ट के जगह बेस्ट पे लिख दिए, ठीक है, ग्रोथ यानी यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रोथ हार्मोन्स इज बेस्ट के जगह बेस्ट लिख दिए, ठीक है, यही हमारा है 12 थेरापेटिक्स है हमारे G2H4I2 बेस्ट, देखो बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा G2 है, ठीक है, अब एक एक करके नाम लिखना है, पहला हमारा G और दूसरा भी कौन सा है हमारा G, ठीक है, जी से हमारा जी की टेल बहुत लंबी हो गई, ठीक है, चलो जी। अब यहाँ पे है जिसको पहला बोलते हैं GSF, ठीक, कौन सा हमारा GCSF, ठीक है, दूसरा हमारा है GMCSF, ठीक है, ये दोनों नाम हमारा जी से हो गए। अब होता क्या है, इसका पूरा फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं, GCSF और GMCSF, ठीक है, पहले को बोलते हैं हम लोग ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ग्रेनुलोसाइट WBC बोला जाता है उसे, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक है, ए हो गया हमारा जी से। दूसरा हमारा है ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक है, ये हो गया हमारा जी से, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर और मैक्रोफेज यानी जो क्या करे वच्छर कर सके इनगल्फ कर सके बैक्टीरिया को उसे बोलते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा है H4 में H चार तरफ होंगे, पहला H है जिसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन इंसुलिन, कौन सा हमारा ह्यूमन इंसुलिन है हमारा, ठीक है। फोर्थ की बात करते हैं हमारा एच से ही हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे हम लोग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जिसको बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन, ठीक है, नाम पढ़े होंगे सोमेटोट्रोपिन, ठीक है, या ट्रोपिन, ठीक है, ट्रोपिन लिख लो। नेक्स्ट एच क्या होता हमारा जिसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन इंटरल्यूकिंस, ये सब बनाए गए हैं लैब में, ठीक है, इंटरल्यूकिंस, एच ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन इंटरल्यूकिन, G2H4 था, ठीक है। अब एक और है हमारा जिसको बोलते हैं ह्यूमन मत लिख लेना, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन,
ठीक है, ए हो गया चार, एच जी टू एच फोर हो गया, अब है बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बेस पे से हमारा क्या होगा हमारा, ठीक है, जी सॉरी जी टू एच फोर आई टू भी हमारा, ठीक है, अभी आगे आई टू से इंटरफेरॉन्स, ठीक है, इंटरफेरॉन्स अब दो होंगे हमारे, या तो अल्फा एंड डेल्टा, ठीक है, अल्फा एंड डेल्टा हमारा इंटरफेरॉन्स है हमारे, ठीक है, दो हो गए हमारे इंटरफेरॉन आई टू एल इंटरफेरॉन अल्फा एंड इंटरफेरॉन डेल्टा, ठीक है, दो हो गए हमारे यहाँ पे। अब बेस पे हमारा बी, बी से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, नेक्स्ट कौन बनाया गया हमारा, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनाया गया। नेक्स्ट हमारा बी एस एफ, ठीक है, तो अब बी ई एस एफ था बेस पे, तो ई हमारा है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, जो आरबीसी का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 11 की बात करें हम लोग, ई हो गया, अब एस हमारा है स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाया गया हमारा लैब में। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है हमारा, ब्लड क्लॉटिंग बस्टर, डिजॉल्व क्लॉट उसको हटाने का काम करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, और पूछा जाता है हमारा। एंड 12 हमारा एफ क्या, जिसको बनाया गया एफ एस एच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो इनफर्टिलिटी में काम करता है, ठीक है। ये हमारे 12 थेरापेटिक्स हमारे कहाँ बने, हमारे इंडियन मार्केट में अभी भी उपलब्ध हैं, और इंडिया ने बनाया था, वर्ल्ड वाइज कितने हमारे 30 हैं, और इंडिया ने जिसमें से हमारा 12 थेरापेटिक्स बनाया है जी टू एच फोर आई टू बेस्ट पे, ठीक है। अब देखो पहला ग्रेनुलोसाइट ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक है, दूसरा हमारा ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेजेस स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ह्यूमन इंटरल्यूकिन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इंटरफेरॉन अल्फा एंड डेल्टा, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, इथ्रोपोएटिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड एफएसएच, ठीक है, ये हमारा काम आता है हमारा 12 थेरापेटिक्स, ठीक है। अब इनके काम क्या है, ये जो हमारे बनाए गए हैं जिसमें से दो तीन तो आपको पता होगा, जैसे इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन का पता होगा किसके लिए, डायबिटीज मिलेटस के लिए बताया गया। एफएसएच हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग सेल यानी इनफर्टिलिटी के हमारे ये, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जानते हो, हीमोफीलिया के बनाया गया होगा, ग्रोथ हार्मोन जो हमारे ग्रोथ डिसऑर्डर थे उनके लिए बनाए गए, ठीक है। इसमें कुछ हमारे थेरापेटिक्स बनाए गए, कुछ और भी थेरापेटिक्स हमारे इंडियन में जैसे थोड़े थोड़े हैं, छोटे बहुत हैं, जो मार्केट में अवेलेबल हैं, किस लिए उसकी बात कर लेते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा थेरापेटिक्स किसके लिए यूज किया जाता है। पहले तो आप लोग थेरापेटिक्स दो तीन बार लिखना, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, जी टू एच फोर आई टू बेस्ट पर लिख देना, काम खत्म, और एक दो बार नाम पढ़ोगे अपने आप तैयार हो जाएगा आपको बेटा, ठीक है। चलो अब इसका क्या करना है हमको कि थोड़ा सा काम लिख लेते हैं, एक तरफ प्रोटीन, प्रोटीन्स हमारे कौन कौन से थेरापेटिक्स हैं उसके नाम लिख लेते हैं जो बनाए गए हैं, और उसके थोड़ा सा हम लोग फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शन थोड़ा सा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है अपना, लेकिन अच्छे से समझना हमारा प्रोटीन्स और फंक्शन का, ठीक है। अब इसमें हमारा पहला जी सी एस एफ, पहला हमारा था जी सी एस एफ, जानते हो कौन सा, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर या फिर ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेजेस कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक है, दोनों का एक साथ है हमारा। इसका काम है हमारा, क्या काम करता है हमारा, ये हमारा ट्रीट किया गया किसके लिए, कैंसर के लिए बनाया गया, किसके लिए बनाया गया हमारा, कैंसर के लिए। सेकंड बात करते हैं हमारा कौन सा था, ह्यूमन इंसुलिन, कौन सा हमारा, ह्यूमन इंसुलिन हमारा, ह्यूमन इंसुलिन जानते हो किसके लिए बनाया गया हमारा, डायबिटीज मिलेटस के लिए बनाया गया, किसके लिए बनाया गया हमारा, डायबिटीज मिलेटस के लिए बनाया गया। थर्ड जी एच ग्रोथ हार्मोन या फिर उसे बोलते हैं हम लोग सोमेटोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन किसके लिए बनाया गया, ग्रोथ हार्मोन यानी हमारा डिसऑर्डर था हमारा ग्रोथ डिसऑर्डर डॉर्फिज्म के लिए बनाया गया था, ग्रोथ डिस ऑर्डर के लिए बनाया गया, यदि किसी को डिसऑर्डर है हमारा, ठीक है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये हमारा मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग परचेज कर सकते हो, जब ही परचेज करोगे जब डॉक्टर बन जाओगे,
यदि देखो आपकी कितनी ताकत है, यदि हम जाते हैं या कोई भी बंदा जाता है कि हमको ये दवा चाहिए, कुछ ऐसी दवा होती है कि हमको ये चाहिए, छोटी मोटी दवा तो सब दी जाती है लेकिन कुछ और भी दवाइयां होती हैं विदाउट डॉक्टर के पेन के रिकमेंडेशन के चला हुआ नहीं होगा वो दवा आपको मार्केट में, आप खोजते रह जाओ किसी का परमिशन ले लो, नहीं मिलने वाली है कुछ दवाइयाँ। ठीक है, तो डॉक्टर की कितनी है कि जब तक वो लिखेगा नहीं, जब तक वो करेगा नहीं, पेन नहीं चलाएगा और डॉक्टर के साइन और मुहर नहीं लगे, तब तक वो दवा आपको मेडिकल स्टोर से आप ढूंढते रह जाओ मिलेगी लेकिन दिया नहीं जाएगा। ठीक है, चलो फोर्थ है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, फोर्थ की बात करते हैं कि फोर्थ कौन सा है हमारा। फोर्थ हमारा इंटर ल्यूकिंस, दोनों हमारा इंटर ल्यूकिंस एक ही काम करेंगे हमारे। ठीक है, इंटर ल्यूकिंस किसके लिए हम लोग काम करते हैं, किसके लिए बनाया गया था, ये भी कैंसर के लिए, और दूसरा इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए। किसके लिए बनाया गया हमारा, इम्यून डिसऑर्डर, कैंसर है इम्यून डिसऑर्डर के लिए बनाया गया, ये हो गया फोर्थ। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ है हमारा कौन सा, हेपेटाइटिस। ठीक है, हमारा कौन सा था, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ठीक है, हमारा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हमारा एक इसके लिए था हमारा, उसी से हमारा हेपेटाइटिस बी के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस बी उसके लिए बनाया गया हमारा। ये फिफ्थ हमारा थेरापेटिक्स था जिसका काम हम लोगों ने पढ़ लिया कि फंक्शन किस लिए बनाया गया हमारा। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन पहले लिख लेते हैं कौन सा हमारा, इंटरफेरॉन अल्फा एंड दूसरा था इंटरफेरॉन डेल्टा। ठीक है, इसकी बात करें तो ये किसके लिए था हमारा, अल्फा था हमारा ओनली फॉर कैंसर और ये था हमारा कैंसर एंड रूमेटाइड अर्थराइटिस। ठीक है, रूमेटाइड अर्थराइटिस। ठीक है, इससे क्या होता है हमारा रूमेटाइड अर्थराइटिस, ये हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बोन की कमी के कारण हमारा यूरिक एसिड बनने लगता है जो हमारा, देखो ग्वाइटी अर्थराइटिस मतलब बोन होता है, बोन में दिक्कत आने लगी, वीक में दिक्कत आने में वीक होने लगा हमारा बोन, क्या हो गया वीक होने लगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है हमारा, जो हमारा एक ऑटो इम्यून डिजीज है और ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ऑटो इम्यून डिजीज कौन सा है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस और भी हम लोग लिखाएंगे आपको ह्यूमन हेल्थ डिजीज से क्या होगा, हमारे अपने ही इम्यून सिस्टम को क्या करता है इफेक्ट करने लगता है, उसी बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। अर्थराइटिस से बोन से प्रॉब्लम हो जाती है, बोन वीक होने लगता है, बोन मैरो खराब होने लगते हैं हमारे। ठीक है, चलो ये सिक्स हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कौन सा और भी हमारा इंटरफेरॉन हो गया। नेक्स्ट हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, कौन सा था हमारा, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की बात करें हमारा, देखो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर अभी हमारा किसके लिए काम करता है हमारा, अब देखो दो आते हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की बात करें तो एक होता है एड्स। ठीक है, एड्स हमारा काम करता है हमारा हीमोफीलिया ए के लिए। किसके लिए हमारा, हीमोफीलिया ए एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नाइन्थ होता है जो हमारा काम करता है हीमोफीलिया बी। ठीक है, ये हमारा हो गया थेरापेटिक्स एट एंड नाइन्थ की बात करें, सेवेंथ हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे बढ़ करते हैं हम लोग, एट थेरापेटिक्स कौन सा हमारा, हमारा एक नेक्स्ट इसके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बात था इरिथ्रोपोएटिन, कौन सा था हमारा इरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, इरिथ्रोपोएटिन, इरिथ्रोपोएटिन काम करता हमारा एनीमिया, यदि ब्लड की कमी हो जाए, एनीमिया यानी ब्लड की कमी हो जाए तो हम लोग इरिथ्रोपोएटिन थेरापेटिक्स बाहर मार्केट में मिलता है लाके हम लोग दे देंगे, कैसे देना वो आगे बताया जाएगा। इरिथ्रोपोएटिन दे दिया जाए, थेरापेटिक्स दे दिया जाए तो हमारा एनीमिया की कमी खत्म हो जाएगी, ब्लड की कमी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इरिथ्रोपोएटिन हमारा होता है जो इरिथ्रोपोएटिक हार्मोन बनाता है जो आरबीसी फॉर्मेशन इरिथ्रोपोएसिस कराता है बोन मैरो में, जिससे आरबीसी का फॉर्मेशन, यदि हमारा ये अंदर नहीं है बॉडी का तो हमारे ब्लड की कमी हो जाएगी, जिसको बोलेंगे हम लोग एनीमिया बोलते हैं। यदि एनीमिया होता है तो हम इरिथ्रोपोएटिन ले सकते हैं बाहर से। ठीक है, नाइन्थ की बात करें तो नेक्स्ट था हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेज, नेक्स्ट था हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये थेरापेटिक्स क्या करता है हमारा क्लॉट बस्टर।
ठीक है, क्लॉट बस्टर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, क्लॉट बस्टर क्या करता है हमारा, डिजोल्व क्लॉट, जो डिजोल्व क्लॉट होता है उसको हटा देता है, कब कब, जब काम करता है हमारा इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं तब की होता हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट ब्लस्टर डिजॉल्व क्लॉट इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नहीं देखो, ए हमारा 9th हो गया। अब एक हमारा है 10th की बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग FSH, ठीक है। 10th कौन सा था हमारा, 10th था हमारा FSH, ठीक है। FSH क्या करता है हमारा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मार्केट में मिलता है, जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग इनफर्टिलिटी को कम कर सकते हैं, ठीक है। ये 10 हमारे हैं जो हमारे मिल सकते हैं मार्केट में, और भी इसके साथ कुछ लिया गया जिसके बारे में बात करते हैं। 11th में हमारा है डीएनएज हमारा थेरापेटिक्स है मार्केट में, जिसको क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं कब, हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये आपको डिजीज में बताया, हम डिजीज में भी बताया, डिजीज में करें उसमें बताया हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस, मेंडल का जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कुछ हमारे और भी मिलते हैं, ये पूछा गया अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन ये क्वेश्चन पूछा गया, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, ये भी थेरापेटिक्स मार्केट में, ये क्या करता हमारा इम्फीफाइसेमा, ठीक है, जो स्मोकिंग के कारण होता है, स्मोक करता है जो हमारे ब्रोंकाई जो होते हैं हमारे स्पाज्म हो जाते हैं हमारे, उनकी सरफेस क्या होती है कम हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन हमारा एक्सचेंज होने में दिक्कत होता है, जिसको बोलते हैं इम्फीफाइसेमा, स्मोकिंग के कारण होता है, उसके लिए मार्केट में दिया जाता है हमारा अल्फा वन एंट्री ट्रिप्सिन थेरापेटिक्स है, जो उसको दे दिया जाए तो कुछ हद तक सही हो सकता है, यदि हमारा लंग पूरी तरीके से खराब होगा तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है OKT3, ठीक है, OKT का आप लोग पूरा फुल फॉर्म देखना नेट पे ढूंढना, ठीक है, फिर बताना आप लोग। इसमें करते हैं हम लोग रिवर्सिबल, इसमें क्या हम लोग यूज करते हैं हम लोग रिवर्सिबल, रिवर्सिबल ऑफ एक्यूट रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, जब ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जा सकता है हमारा, ठीक है, यदि हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस समय हम लोग इसका इंजेक्शन दे सकते हैं OKT का, ठीक है। ये थेरापेटिक्स हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से बनाया गया था OKT3, ठीक है। और भी कुछ हमारे प्लेटलेट्स हमारे हैं, ब्लड क्लॉट प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, ठीक है। नेक्स्ट और भी लिख लेते हैं, कुछ हमारे पास है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रियो प्रो, ठीक है। रियो प्रो मीन्स हो गया हमारा, ए भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से बनाया गया था, जब करता हमारा प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, यानी किसी को ब्लड क्लॉट बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसको रियो प्रो दे दिया जाए तो ब्लड क्लॉटिंग स्टॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक है हमारा, जिसको बोलते हम लोग PDGF, ठीक है। PDGF मतलब हो गया प्लेट लेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट्स से डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर कब करता है हमारा, जब हम लोग काम करेंगे स्किन अल्सर में काम करते हैं, या फिर हम लोग काम कर सकते हैं हम लोग डायबिटीज में काम कर सकते हैं, या फिर हीलिंग का काम कर सकते हैं। देखो ये हमारे कुछ थेरापेटिक्स हैं आपको जो लिखवाए गए हमारे, ठीक है, कि हमारे पास 15 थेरापेटिक्स हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट में हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके और भी बताए जाएंगे मेडिकल में, ठीक है। तो पहला थेरापेटिक्स हमारा था GCSF, जो कैंसर के लिए यूज करते हैं, ह्यूमन इंसुलिन डायबिटीज मेलेटस के लिए यूज करते हैं, GH हमारा ग्रोथ डिसऑर्डर इंटरल्यूकिन कैंसर एंड इम्यून डिसऑर्डर, हेपेटाइटिस बी प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, इंटरफेरॉन अल्फा एंड डेल्टा कैंसर, कैंसर एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हीमोफीलिया,
स्ट्रेप्टोकाइनेज पूछा गया आपको, क्लॉट बस्टर के लिए काम करते हैं हम लोग, एफएससीएच पूछा गया है, इनफर्टिलिटी, डीएनएस पूछा गया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इंफिपाइसेमा, यहां तक आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कि आप लिख लिख के आप लोग कर सकते हो कि कौन सी चीजें कहाँ पे यूज की गई, कौन सा प्रोटीन कब बीमारी में यूज किया गया। उसके पास है OKT3, रियोप्रो एंड पीजी PDGF, ठीक है। तो इतने तरह के थेरापेटिक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यदि हम आप लोग डॉक्टर जब बन जाएंगे तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए, यहाँ पे हमारा वैक्सीन हो गया, ठीक है। अब मेडिकल में एक ही चीज बताया जिसको बोलते हैं हम लोग मॉलिकुलर डायग्नोस कैसे करेंगे। हर जगह हम लोग देख रहे थे मॉलिकुलर डायग्नोस, डिजीज का डायग्नोस, इसका डायग्नोस, ठीक है, हम लोग देख रहे थे। तो डायग्नोस कैसे करेंगे उसके बारे में अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं हम लोग मॉलिकुलर डायग्नोसिस, ठीक है, कि मॉलिकुलर डायग्नोस कैसे करेंगे, मॉलिकुलर कैसे हम चेक करते हैं। आप लोग बड़े डॉक्टर बनोगे तो लिखते हो ना कि ये डायग्नोस कर रख लिया, ये बीमारी हो सकता है, ये चीजें लिखा जाता है, ठीक है, कि कैसे कैसे डायग्नोस करना है। तो मॉलिकुलर डायग्नोस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग मॉलिकुलर डायग्नोस करते क्यों हैं, किसी चीज को डायग्नोस क्यों किया जाता है, कि यदि डिजीज है उसको हमको पहले पता चल जाए। लेकिन ये तो हो नहीं पाता, जैसे मान लो इतना बोला जाता है डॉक्टर हो या फिर बड़े बड़े लोग जैसे होते हैं अंबानी जी या सचिन, ये सब जो बड़े बड़े हैं, अब लो लेवल पे जो फैमिली है या फिर एवरेज फैमिली है उसके पास तो इतनी पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतनी सुविधाएं नहीं है चीजों की जो डायग्नोस करा सके। लेकिन कुछ लोग हैं जो क्या होता है पूरा बॉडी चेकअप साल में 2 या 3 बार उनके होते रहते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं बॉडी में चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है, कोई भी छोटा सा दर्द हुआ तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच के वो चेकअप कराना शुरू कर देते हैं। बट जो लोअर कट है, लोअर फैमिली है, एवरेज फैमिली, वो नहीं जाती है, मार्केट से दवा लेके कुछ खा लेती है, अपना ठीक हो जाता है। हम लोग के पास इतनी सुविधा नहीं है कि हम लोग क्या करें साल में जाके डायग्नोस करा जाए, ठीक है। हम लोग क्या होता है जब डिजीज हो जाता है, अच्छी खासी बीमारी पकड़ लेती है, तब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर को पता होता है कि अब तो ये बीमारी इसको हो चुकी है, ठीक है। तो माइक्रो डायग्नोस क्या करना, हमारा फायदा क्या करता था, अर्लियर डायग्नोस कर ले हम लोग, अर्लियर डिजीज पता चल जाए जिसके कारण उससे बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, तभी हमको पता चले यानी ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए करते हैं हम लोग। तो अर्ली डायग्नोस इज वेरी इसेंशियल, अर्लियर डायग्नोस करते हैं हमारा वेरी इसेंशियल होता है, जिसको बोलते हैं मॉलिकुलर डायग्नोस। अर्लियर हम लोग डिजीज का पता कर लें उसे बोलते हैं मॉलिकुलर डायग्नोस, ठीक है। अब पहले जब हम लोग बात करते हैं पुराने समय जब साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था तो उसे बोलते हैं हम लोग कन्वेंशनल मेथड बोलते थे। फर्स्ट जो डायग्नोस हम लोग मॉलिकुलर डायग्नोस करते थे अभी भी वो चलता है हमारा कन्वेंशनल मेथड, ठीक है। अब वो तो नहीं कर सकते हर जगह, हम लोग मॉडर्न वाला नहीं लगा सके, तो पहला हमारा कौन सा कन्वेंशनल मेथड का पढ़ लेते हैं, क्या होता है हमारा कन्वेंशनल मेथड, ओल्ड मेथड की बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या था हमारा, क्या लेते हैं हम लोग कन्वेंशनल मेथड में, ब्लड सैंपल एनालिसिस किया जाता है हमारा, ब्लड सैंपल एनालिसिस किया जाता है। जैसे आपको कोई चीज हुई तो आपको बोलता है डॉक्टर की ब्लड शुगर यूरिन सीरम ये सब लिखाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सीरम सैंपल एनालिसिस, थर्ड हम लोग क्या दिया जाता है हमारा, यूरिन चेक करता है, यूरिन सैंपल एनालिसिस। एंड नेक्स्ट हमारा क्या सकता है, स्टूल, ठीक है, स्टूल सैंपल एनालिसिस, ठीक है। अब ये चीजें हम लोगों को दिया है, हमारा ये कन्वेंशनल मेथड है, ब्लड सैंपल एनालिसिस, सीरम सैंपल एनालिसिस, यूरिन सैंपल एनालिसिस एंड स्टूल सैंपल एनालिसिस, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा इस नाते दिया जाता है कि यदि हमको सिम्टम हो रहे हैं, ठीक है, सिम्टम्स हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तब हम लोग जाते हैं कि सर ये हो गया हमको, ठीक है, ये हो गया, तो ब्लड का चेकिंग कराता है, सीरम यूरिन ये सब करता है हमारा, डायबिटीज के लिए हो जाता है हमारा, ब्लड ले जाता है तो उससे सारी चीजें काम हो जाती है मोस्टली, नहीं हुआ तो ब्लड एंड यूरिन तो आपको करता ही करता है हमारा चेक कराने के लिए, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं देख बताते हैं हम लोग, ठीक है, कि इन्फेक्शन हुआ यदि बॉडी में, ठीक है, यानी कोई डिजीज हो रही, इन्फेक्शन हो रही है, इन्फेक्शन बाई पैथोजन, इन्फेक्शन बाई पैथोजन इज सस्पेक्टेड, ठीक है, आफ्टर इट प्रोड्यूस
सिम्टम्स, ठीक है। जब सिम्टम्स होने लगते हैं हमारे, तब ये सब काम किया जाता है, हमारा ब्लड सैंपल लेते हैं, जैसे मान लो चिकनगुनिया हो गया किसी को डेंगू हो गया, ठीक है। अब एक कुछ और भी बीमारी बॉडी में चलती रहती है, जो हमको पेन होते रहते हैं, लेकिन बट हम कोई दवा मार्केट से खाते हैं, हमको पता नहीं चलता, बाद में बहुत ज्यादा होता है, तब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, ठीक है। जब उस समय हम लोग ये जब चेकिंग करते हैं, जब हमको सिम्टम हो चुके हैं, तब पैथोजन हमारे बॉडी में क्या होंगे, नंबर में ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो हमारे ये हमारे कन्वेंशनल मेथड हम लोग कब करते हैं, जब हमको डिजीज हो चुकी थी, कुछ डिजीज यानी पैथोजन हमारे बॉडी में आ चुके रहते हैं, तो ये हमारा कन्वेंशनल मेथड हमारा यूज किया था, अभी भी यूज करते हैं, ठीक है। यानी हम लिख लेते हैं कब होता है हमारा, पैथोजन इज इन हाईली कंसंट्रेशन इन बॉडी, ठीक है। कंसंट्रेशन इन बॉडी, पैथोजन क्या है, हाईली कंसंट्रेशन में बॉडी है, तब हम लोग इसे कन्वेंशनल मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आया हमारा दूसरा मॉडर्न मेथड, जो हमारे सबके लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है, और सबके लिए है भी नहीं, क्योंकि क्या हो गया, पैथोजन, ठीक है, पैसे लगते हैं, कई चीजें जो हमारे लिए नहीं हमारे सुटेबल है कई लोगों के लिए, ठीक है। तो जिसको बोलते हम लोग मॉडर्न मेथड, सेकेंड कौन सा हमारा है, मॉडर्न मेथड, मॉडर्न मेथड हमारा, ठीक है। मॉडर्न मेथड में क्या था हमारा, किसका यूज करते हैं हम लोग, पहला पीसीआर, आप लोगों को पढ़ लिए होंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा इलीजा टेस्ट है, अभी पढ़ेंगे इलीजा टेस्ट का भी पढ़ेंगे हम लोग, एंड आर डी आई, ठीक है, आर कुछ बड़ा ही हो गया जाके, दूसरे पेन से लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। किसका किसका यूज कर दें, 1 मिनट रुको, हाँ ठीक है। पहला हमारा कौन सा हमारा है, पी सी आर यूज किए, इलीजा आप लोगों को पढ़े होंगे, इलीजा टेस्ट है, एन आर डी आई, ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं इसे, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटो रेडियोग्राफी, ग्राफी मतलब प्लेट, कुछ ऐसा ग्राफिक प्लेट होगा क्रोमाजेनिक सबस्टेंस का, जिसको हमको कलर प्रोड्यूस होगा, विजुअल होगा, नॉट विजुअल होगा, ठीक है। ये 3 टेस्ट हम लोग किसमें करते हैं, मॉडर्न में करते हैं हम लोग, पीसीआर, जिसे हम क्या कर सकते हैं, किसी डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं, किसी भी चीज को डायग्नोज कर सकते हैं, कब, अर्लियर टाइम, जब क्या होगा हमारा, जब पैथोजन का कंसंट्रेशन ना के बराबर होगा, यानी हमको डिजीज हुई है कि नहीं हुई, उसका भी कंफर्मेशन इससे कर सकते हैं, इन टेस्ट से। तो लिख लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, इससे भी अर्लियर डायग्नोज किया जाता है, कब किया जाता है हमारा, अर्लियर डायग्नोज किया जाता है इससे, ठीक है, कि हमारा पैथोजन है कि नहीं, हमको लग रहा था, हमको लग रहा था कि ये बीमारी हो चुकी है, तो हम डायग्नोस कराने चले गए, या फिर आपको अगर उस समय आपको पता चल जाएगा कि नहीं, इसकी कंसंट्रेशन अभी है ही नहीं, बस शंका था, लेकिन है कुछ है? नहीं आपको, तो इससे हम लोग जब कंसंट्रेशन बहुत कम के मात्रा में, या फिर हम लोग ना या हाँ में पता करना चाहते हैं कि ये है कि नहीं, हम चले गए, पैसे हमारे पास है, हमको लग रहा था, चले गए और चेक करा लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलो, तो ये मैकेनिज्म हम लोग यूज करते हैं, पीसीआर या फिर एलिजा या फिर आरडीआई, ऑटो रेडियोग्राफी, तीनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से आप लोगों ने पहला जो है हमारा, जो फर्स्ट है हमारा पीसीआर, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉली मरेज चेन रिएक्शन, ये आप लोगों बहुत अच्छी तरह से पढ़ ली हो, हम लोग बताए थे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन 3 स्टेज आता है हमारा, एनलिंग, एक्सटेंशन और इलोंगेशन, ठीक है। ये हमारा था, नहीं सॉरी, डीनेचुरेशन, एनलिंग एंड एक्सटेंशन, इलोंगेशन, ये था डीनेचुरेशन, एनलिंग एंड एक्सटेंशन या फिर इलोंगेशन या पॉलीमराइजेशन, तीसरा स्टेज को एक ही नाम बोलते हैं। तीनों आप लोगों ने बायोटेक हमारा पढ़े होंगे, आगे ही पढ़ाए थे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, में तीनों स्टेप में हम लोगों ने 1 डीएनए से 2 डीएनए को बनाया था, उस तरह हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। उसका वीडियो लेक्चर आप लोग देखना, और नोट में है, आपको मिल जाएगा, मिला होगा आपको, मिल गया, प्रोवाइड कर दिया गया, इसमें आप लोग देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी पीसीआर, ठीक है। तो तीनों के बारे में हम लिखना नहीं चाहेंगे यहाँ पे, बस एक नाम लिख लेते हैं हमारे कि कौन कौन स्टेज थे हमारे। तो पहला था हमारा डी नेचुरेशन था हमारा, जो हमारा 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, एक ही हम टेम्परेचर लिख रहे हैं हम लोग। सेकेंड हमारा एनलिंग था, और थर्ड था हमारा इलोंगेशन, ठीक है। ये 3 स्टेज आते थे, जो पैथोजन लाइक वायरस बैक्टीरिया यदि हमारे इससे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यदि किसी को हुआ होगा तो उसका डीएनए इफेक्ट हुआ होगा, जरूर हुआ होगा,
ठीक है, तो हम उसके डीएनए को लिए और उसके कॉपीज बना रहे हैं, ठीक है। यदि हमको लग रहा है इसमें डीएनए में हुआ है तो कॉपीज बनेगा, और जब कॉपीज बनेगा तो एक्सप्रेस होगा हमारा, और जब एक्सप्रेस होगा पता चल जाएगा इसको डिजीज है कि नहीं है, ठीक है। तो एक लाइन में लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं हम लोग कि पैथोजेंस लाइक, पैथोजन लाइक कौन सा हमारा, या तो वायरस होगा या तो कौन सा होगा हमारा बैक्टीरिया। पैथोजन लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया कैन बी आइडेंटिफाइड by implication, implication मतलब एक से ज्यादा नंबर में बनाना हमको, implication of nucleic acid event when symptoms have not appeared. सिम्टम्स नॉट अपीयर, ठीक है, यानी हमारा जो पैथोजन है, पैथोजन कब हमारा इन वेरी वेरी लो कंसंट्रेशन, पैथोजन कैसा हमारा अभी लो कंसंट्रेशन में है, तभी हम इसका यूज कर लेंगे पीसीआर का, ठीक है। कि हमको लग रहा था, ठीक है, हम बार बता रहे हैं ऐसा लग रहा था, हमको महसूस हो रहा था कि ये डिजीज हो सकती है, केवल क्यों ना हम अपने बॉडी का डायग्नोज करा लें, जाके चेकअप करा लें हम लोग, ठीक है। तो इससे पता चले जब हमको सिम्टम हो जाते हैं तब हम जब जाते हैं तो वहां पे यूज किया था हमारा कन्वेंशनल मेथड, तब इसकी यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, झूठे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने बात किया था वहां पे यूज भी बात किया था, ठीक है। पीसीआर का हम क्या करते हैं, डिटेक्ट ऑफ किसके किसके लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा यूज लिख लेते हैं हम लोग, यूज ऑफ पीसीआर, यूज ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यूज ऑफ पीसीआर पहला हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट यूज करेंगे हम लोग डिटेक्ट द एचआईवी, ठीक है, टू डिटेक्ट एचआईवी इज सस्पेक्ट, एचआईवी सस्पेक्ट एड्स पेशेंट, डिटेक्ट एचआईवी एड्स पेशेंट, ठीक है। सेकेंड, टू डिटेक्ट, ठीक है, दूसरा हम लोग कह सकते हैं हम लोग कि उसके अंदर म्यूटेशन, यदि म्यूटेशन होगा तो उसका जीन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, म्यूटेशन इन जीन इज सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, ठीक है, कैंसर के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या करेंगे हम लोग, टू डिटेक्ट वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, किसके लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, चलो, ठीक है। हम लोग इन तीनों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं पीसीआर का मोस्टली, ठीक है। पहला हमारा एड्स पेशेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं, कैंसर के लिए यूज कर सकते हैं, और नेक्स्ट हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। एलिजा टू आइडेंटिफाई टू क्योर द एड्स, ठीक है, हाँ एलिजा, बहुत सही, वेरी गुड राज, ठीक है। तो एलिजा हमारा किसके लिए होता है, हमारा एड्स के लिए हम लोग करते हैं, टेस्ट करते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पीसीआर के बारे में, डिटेक्ट टू एचआईवी सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, टू डिटेक्ट म्यूटेशन कैंसर पे यूज कर सकते हैं, वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए, कि यदि हुआ है तो जीन पे जाएगा, जरूर जीन पे इफेक्ट होगा, यदि जीन पे इफेक्ट होता है तो हमको पता चल जाएगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है, हम लोग पहले पता कर लेंगे जब कंसंट्रेशन उसका क्या होगा, वेरी लो होगा, पैथोजन का कंसंट्रेशन बहुत वेरी लो रहा होगा, तब की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद है हमारा आरडीटी, जिसको बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। तो ऑटो रेडियोग्राफी में करना क्या है, देखो रेडियो आइसोटोप लेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए लेंगे या फिर आरएनए लेंगे, उसको लेबल्ड कर देंगे, किससे लेबल कर देंगे हम लोग, उसको कोट कर देंगे, किससे हमारा, किसी भी रेडियो एक्टिव रेडियो आइसोटोप से क्या करेंगे हम लोग, उसे कोट कर देंगे, और उसका
कंप्लीमेंट्री डीएनए बना के क्लोन बनाएंगे, प्रोब। प्रोब जानते हो क्या, आपको बताएंगे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब था, ये क्या था हमारा, कोटेड बाई या फिर आइसोलेटेड बाई रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है। उससे हम लोग करेंगे फ्लोरोसेंट मार्कर लगा देंगे। मार्कर इस नाते लगाते हैं कि हमको जब उसमें एक्सरे या यूपी रे या फिर फोटोग्राफिक फिल्म पे रख के उसको देखें, हमको दिखना चाहिए, ठीक है। यदि ऐसा करेंगे और देखेंगे उसे, यदि विजिबल हुआ तो नॉर्मल जिंक कैरिंग सेल है, ठीक है। विजिबल यदि हमको दिखाई दे रहा है तो कोई भी चीज उसमें दिक्कत नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं। यदि नॉट विजिबल है तो दिक्कत वाली बात है, यानी म्यूटेंट हो गया है हमारा, ठीक है। जीन कैसा हो गया हमारा, म्यूटेंट हो गया है। तो इस तरह कुछ करके हम लोग आरडीटी का यूज करते हैं। और इसके बाद आएगा इलीजा टेस्ट। इलीजा में एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट ऐसे बोलते हैं, एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट ऐसे बोला जाता है, उसका हम लोग टेस्ट करते हैं। तो तीन यहाँ पे टेस्ट करना हमको, डायरेक्ट दिया नहीं है सीआरटी में, लेकिन अच्छे से आपको बताएंगे, डायरेक्ट इलीजा, इनडायरेक्ट इलीजा एंड सैंडविच इलीजा। जिसमें हम लोग इलीजा में करते क्या है, एंटीजन व एंटीबॉडीज की बात करते हैं। किसका बात करते हैं हम लोग, एंटीजन व एंटीबॉडी के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे चेक किया जाता है, कैसे करते हैं हमारा। इसमें मोस्टली जो होता है टेस्ट हमारा एचआईवी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं होता है। इलीजा में स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं हम लोग एंटीजन एंटीबॉडीज का कुछ लेके। तो तीन तरह के आएंगे हमारे, डायरेक्ट इलीजा टेस्ट, इनडायरेक्ट इलीजा टेस्ट एंड सैंडविच इलीजा टेस्ट बोला जाता है। यानी जो इलीजा का मेन प्रिंसिपल है वो क्या, हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो इलीजा इस तरह हम लोग टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद आएगा हमारा मेन जो आएगा, ये हमारा यहाँ पे मेडिसिन खत्म हो जाएगा जब इलीजा की बात कर लेंगे। उसके बाद आएगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जिसमें हमारा एग्रोकेमिकल आएगा, ऑर्गेनिक आएगा एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। यही पढ़ना है मेनली, जो पढ़ना हमको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में पढ़ना है कि कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमारा, ठीक है। कंफर्मेशन टेस्ट एंड साउदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। वो हमारा डीएनए देखो बताया तो वहां पे आप लोगों को जेनेटिक इंजीनियरिंग जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बता रहे थे कि साउदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग डीएनए आरएनए प्रोटीन वहां पे बताए थे, ठीक है, वीरा रघुवंशी जी, ठीक है। तो वहां पे डीएनए आरएनए के लिए होता है, ये हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। फिर और भी दो तीन चीजें करते हैं, उसके बाद कंफर्मेशन टेस्ट। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि साउदर्न ब्लॉटिंग, वहां पे डीएनए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं डीएनए टेस्टिंग के लिए। डीएनए ब्लॉटिंग होता है, साउदर्न ब्लॉटिंग मतलब डीएनए ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग जानते हो क्या होता है बेटा, वीरा एक नाम सीधे जानना जो एनसीईआरटी और नीट के लिए हमारा है, ठीक है। साउदर्न ब्लॉटिंग में होगा क्या हमारा, कि उससे हमारा जब इलेक्ट्रोफोरेसिस मैकेनिज्म पे हमारा था डीएनए, उसको नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे डाल दिया और उसको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देते थे, उसी को बोलते थे हम लोग ब्लॉटिंग बोला जाता है। ये जैसा हम डीएनए में करते हैं, आरएनए में करते हैं प्रोटीन, तो साउदर्न नॉर्दर्न एंड और हमारा वेस्टर्न। साउदर्न जो थे हमारे साइंटिस्ट थे, उन्हीं के बेसिस पे बताया।